हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लास्टिंग वीडियो ओवर हियर टुडे। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में चीजें सीखने वाले हैं। पिछली बार जो लीक वीडियो था मेरे फ्रेंड ने डाल दिया था, मैंने उन लोगों को पढ़ाया था, तो चलो उस रीजन से एक ऐसी चीज हो गई, हैवी डिमांड थी, तो मैंने मेरे प्रीमियम क्लास का कॉन्टेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये इंडिकेटर की क्लास है लेकिन मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, बोले ये कैसी बात हुई। हाँ, मैं वैसे भी मेरे कोर्स में इंडिकेटर की क्लास को ऑप्शनल कर दिया था, तो भाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, ऑप्शनल कर दिया था। मैं वो भी वीडियो क्लास चलाता था मैं इसकी, इंडिकेटर वाली की, बाकी मैं लाइव पढ़ाता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी पब्लिक कर दो यार, अच्छी बात है ना, आप सब लोगों को सीखने मिल जाएगा। तो लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो कि आप इंडिकेटर यूज नहीं करते, फिर हमको दे रहे हो। देखो क्या होता है, जर्नी की जब शुरुआत होती है प्राइस एक्शन मास्टर करने में समय लगता है। मैं कहूंगा कि कीप लर्निंग प्राइस एक्शन, बट लर्निंग प्राइस एक्शन इज लिटिल बिट, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एक्सपीरियंस। टिल द टाइम इंडिकेटर्स आर लिटिल हेल्पफुल। दूसरी बात, हेल्पफुल और इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट कि मेरे को मालूम है। अब आपको मालूम नहीं, मान के चले फिक्स रेंज एनालिसिस क्या होता है या राइट मेथड क्या होता है किसी इंडिकेटर को यूज करने का, अब आपको मालूम है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। सो यू गेट, तो आपको लग रहा होता है कि शायद मुझे फिक्स रेंज एनालिसिस मालूम नहीं है इसलिए मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन आज आपको मालूम चल गया तो आप चेक कर सकते हो बैक टेस्ट। तो देखिए एकदम, प्राइस एक्शन इज गॉड, प्राइस एक्शन इज किंग एंड आई एम यूजिंग दैट ओनली, दैट्स व्हाई मैंने ऑप्शनल भी किया था और मैं पब्लिक कर रहा हूं ये वीडियो। लेकिन कुछ बिगिनर्स को इससे बेनिफिट मिल सकता है अगर आप राइट बैक टेस्टिंग करते हैं तो। दूसरा पॉइंट, आप सारे लोगों को वीडियो देखने के बाद यूज करें ना करें, कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि हाँ अब मुझे मालूम है इस इंडिकेटर के इन्स एंड आउट्स, मुझे मालूम है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक यू, आपको ये वीडियो मजा आएगा देखने में। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन लर्निंग सबकी बढ़िया चल रही है, लेकिन अगर आप लोगों को साथ में ऑफिस में बैठ के स्टडी करना है, एकेडमी में बैठ के स्टडी करना है, बूमिंग बुल्स के हाइब्रिड सेंटर्स जहां पे बड़ा प्रोजेक्टर, बढ़िया फाइव स्टार ऑफिस क्वालिटी, अच्छा एनवायरमेंट, दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में ओपन हो चुके हैं, प्रॉपरली सैनिटाइज्ड क्लासरूम्स होते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं, शानदार एनवायरमेंट होता है, बैठ के पढ़ने की फैसिलिटी है, मेक श्योर, मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एडमिशन लेना नहीं लेना दूर की बात है, घूम के आओ ना, होके आओ ना, विजिट करके आओ अगर बैठ के पढ़ना चाहते हो तो। ओके, चलो इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो पूरा देखना, लंबा वीडियो है भाई, एक घंटे के ऊपर है, तो एक काम करो दो तीन ब्रेक्स में देख लेना, नो प्रॉब्लम, बट जब पूरा वीडियो देख लो आखिरी में मिलना, आपसे जरूरी बात करनी है। नाउ वन मोर इंडिकेटर आई विल टेल यू विच इज VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अभी VWAP क्या होता है, VWAP एक इंडिकेटर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज अ ट्रेडिंग बेंचमार्क यूज बाय ट्रेडर दैट गिव एवरेज प्राइस अ सिक्योरिटी थ्रू आउट द डे, जिसमें दोनों यूज होता है, वॉल्यूम भी और प्राइस भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, उसी तरह दिखता है ये, बट मूविंग एवरेज प्योर प्राइस पे बनता है, प्राइस एक्शन पे। और जो VWAP होता है ये प्राइस एक्शन प्लस नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज्ड और वॉल्यूम पे बनता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले सेटिंग पे आओगे VWAP के, पिवट बंद करोगे, VWAP की सेटिंग पे आओगे और सबसे पहले यहाँ स्टाइल पे आओगे और अपर और लोअर बैंड को बंद कर दोगे और बैंड फिल को बंद कर दोगे। आपको VWAP चाहिए सिर्फ एक सिंगल लाइन, आपको VWAP का रेंज नहीं चाहिए, ये रेंज बताता है VWAP की, हमें बॉलिंजर बैंड नहीं बनाना है, ये सिर्फ ये बताता है, इसको ब्लैक करना है आप लोगों को। ओके, डन, क्लियर हो गया आप लोगों को VWAP क्या होता है। एक लाइन होती है VWAP, VWAP क्या होता है, VWAP एक ऐसी चीज है जो ना अपना क्या कर रहा है, जो अपना वो बता रहा है आपको, एक रेंज बता रहा है कि भाई ये VWAP, VWAP एक सिंपल इंडिकेटर है जिसके दो तीन काम है। ठीक है, पहला काम है ये एवरेज प्राइस बताता है कि प्राइस एक्चुअली यहां होना चाहिए था, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ब्लैक वाली लाइन एक्चुअली प्राइस होनी चाहिए थी, प्राइस उसके ऊपर चलना चाहिए, प्राइस उसके ऊपर चलना चाहिए था। जब मार्केट में कुछ बुलिश बेरिश नहीं है, सब कुछ न्यूट्रल है, नो फाइट, प्राइस पूरी ब्लैक लाइन के ऊपर चलना चाहिए, ये मतलब होता है थ्योरी में। बट मार्केट में कभी ऐसा होता है क्या कि प्राइस VWAP के ऊपर चले, नहीं। तो जब भी VWAP के ऊपर चलता है प्राइस, क्या मैं मार्केट थोड़ा बुलिश है बोल सकता हूं, है ना?
और जब नीचे चल रहे तो क्या प्राइस थोड़ा बेरिश बोल सकता हूं, राइट? तो इट वर्क्स एज अ फिल्टर। सो वीवैप को एक फिल्टर की तरह लिया जाता है कि अच्छा अगर ऊपर चले तो मार्केट थोड़ा बुलिश है, नीचे चल रहे तो मार्केट थोड़ा बेरिश है। एक पहली बात ये। दूसरी बात, हर इंडिकेटर टाइम फ्रेम के साथ थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन पिविट से एक एग्जांपल था, पिविट से एक इंडिकेटर है, पहला पिविट और दूसरा ये वाला, मैं आपको बता देता हूं कहां गया पिविट। देखो यहां पे पिविट मैंने खोल दिया, तो यहां पे पी की, यहां पे देखो पी की वैल्यू कहां थी, कहां थी, एसबीआई खोल लेता हूं, यहां पे देखो ये एसबीआई है, एसबीआई में पी की वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं देखना, 425 है ना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दूं तो भी पी की वैल्यू कहां बता रहे, सेम। 30 मिनट कर दूंगा तो भी वैल्यू कहां दिखा रहा है, पी की वैल्यू सेम। तो दिस इज वन रेयर इंडिकेटर जो चेंज नहीं होते अपने आप को, जो चेंज नहीं करते अपने आप को। वैसे ही रिलायंस, वैसे ही पिविट में देखो अभी कितनी वैल्यू है, वीवैप की वैल्यू कितनी है, 2097, राइट, 2097। तो अगर मैं इसका 15 में टाइम फ्रेम कर दूंगा तो भी कहां है, सेम। तो इसको कोई भी टाइम फ्रेम खोलो ये आपका वही रहता है। तो क्या ये एक स्टैटिक चीज हो गई, क्या ये एक स्टैटिक चीज है, स्टैटिक स्टैटिक चीज है, राइट, इट्स अ स्टैटिक चीज। तो आपको इस इंडिकेटर को यूज करना है तो किस तरीके से यूज करोगे, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, लाइक अ डायनेमिक हॉरिजॉन्टल लाइन गोइंग विथ यू। एक डायनेमिक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो घूम रही है आपके साथ, राइट, ये आपकी एक डायनेमिक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपके साथ चल रही है, राइट। अगर बीपीसीएल खोलते हैं, रिसेंटली बीपीसीएल में हम देख से मिलेगा हम लोगों को, ये देखो तो आपको दिख रहा है बार बार यहां पे ये अपनी इसी रेंज में चला जाता था। देखो आता था दिन का हाई, ये इसके दिन का हाई है, ओपन हुआ यहां, दिन का ओपन है, ब्रेक ही नहीं कर पाता था, रेंज में घूम जाता था, राइट। दिस रेंज हैज बीन ब्रोकन आउट विथ वीवैप ऑल्सो ब्रोकन आउट, वीवैप यहां पे ब्रेक हुआ दिख रहा है आपको, और वीवैप के क्या क्या काम है, ऊपर है मतलब बुलिश है, क्या वो सपोर्ट ले रहा है वीवैप से, लिया उसने एक बार सपोर्ट और पूरा वीवैप ट्रेल कर गया, पूरा वीवैप के साथ ही चला गया, और बाद में आने के बाद एक बार सपोर्ट लिया दिख रहा है आप लोगों को, फिर ब्रेक किया वीवैप, एक फॉल आया, फिर वहीं पे आके क्लोज, दिन बंद हो गया, दिन क्लोज हो गया, फिर एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, एक फॉल हो गया, बस। तो देखो तो कुल मिलाकर के अलोन वीवैप कैन नॉट बी यूज्ड, वी विल नॉट यूज वीवैप अलोन, हम वीवैप को यूज करेंगे, अगर करना भी है वीवैप को यूज तो हमें इसको पिविट के साथ, किसी मूविंग एवरेज के साथ, किसी आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, कि बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा आरएसआई में और वीवैप तोड़ दिया ऊपर की तरफ, कुड बी अ ट्रेडिंग सिग्नल, बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है आरएसआई में, डबल टॉप आ रहा है और वीवैप तोड़ दिया, कुड बी अ बेरिश सिग्नल, राइट। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट स्मार्टली, ऐसे एक वीवैप लगा के सोचोगे ट्रेडिंग कर लूंगा तो नहीं कर सकते ट्रेडिंग। वीवैप अकेला इतना पावरफुल टूल नहीं है, लोगों को उम्मीद ज्यादा है वीवैप से, क्योंकि 1.5 मिलियन व्यूज चलेगा मेरे वीवैप वीडियो पे, वो वीवैप तो मैंने इसलिए, वो भी मैंने इसलिए डाला यूट्यूब पे क्योंकि मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट इवन प्रीमियम कंटेंट, दिस इज नॉट इवन प्रीमियम, द प्रीमियम आई एम टेलिंग यू, प्रीमियम मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, दिस इज नॉट इवन प्रीमियम, इट्स सिंपल सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यार, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिल्टर, समझ में आ गया। उसमें मैंने वीवैप को यूज करना सिखाया है पिविट के साथ और स्टोकेस्टिक आरएसआई के साथ, जो मैं यूज भी नहीं करता स्टोकेस्टिक आरएसआई, अब तो अब तब यूज करता था, अब नहीं करता। सो डू यू अंडरस्टैंड गाइस कि दिस स्ट्रेटजी इज फॉर पीपल हु वांट 2 मिनट्स मैगी, जिनको बस गर्म पानी डालना है और बस 5 मिनट रख के खा लेना है, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। हम तो प्रॉपर बनाएंगे भाई, अगर मैगी बनानी तो प्रॉपर मैगी बनाएंगे भाई, प्रॉपर सब्जी काट के प्रॉपर अच्छे से बनाएंगे, हमें वो 5 मिनट वाला नहीं चाहिए कि बस गर्म पानी डाले बन गया, तो ये शॉर्टकट है। सो गाइस दैट्स इट, दिस इंडिकेटर इज ऑल्सो, जस्ट टेल मी कौन सी दो चीजें बताता है, पहला फिल्टर और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या ये टाइम फ्रेम के साथ चेंज होता है, नहीं, तो मतलब ये एक जोरदार स्टैटिक चीज है, कोई से भी टाइम फ्रेम पे जाओ ये वही रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के क्या ये नंबर इंपॉर्टेंट है 452, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझना है आप लोगों को कि घूम फिर के प्राइस, और प्राइस हमेशा वीवैप के पास आता ही है घूम फिर के। तो इसको कई बार हम लोग ना सपो, कई बार इसको हम लोग टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए भी यूज करने लगते हैं,
कई बार हम लोग इसको स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, तो यूज ऐसे अपन को करना है। Now we'll shift to our indicator volume. Now what is volume? Volume करने से नीचे बहुत सारे वॉल्यूम बार्स आ गए, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को वॉल्यूम बार्स? Okay, so we have so many volume bars over here with us. So how to use these volume bars? अच्छा, volume होता क्या है इसके पहले? Volume क्या होता है? Volume होता है number of hands exchanged, right? Number of hands exchanged या फिर number of quantity. Look at this. यहाँ पे आपको जो volume दिख रहा है 57,079.927 shares. ये खरीदे बेचे किस, ये खरीदने का नंबर है कि बेचने का नंबर है भाई? सेम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने आपको एक सेल किया, एक शेयर आपको सेल किया, तो कितने क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो गई? एक की दो। अगर जैनल शाह ने मीत धबालिया को एक रिलायंस बेच दिया, तो दो रिलायंस का ट्रांजेक्शन होगी, एक रिलायंस का ट्रांजेक्शन हुआ, एक का ट्रांजेक्शन हुआ, राइट? नो, द ऑर्डर यू प्लेस इज वन सेल वन बाय, there is no problem, one buy one sell, the number of shares, इसी लेना मैं, I use the word number of hands exchanged, कितने share exchange हुए दोनों के बीच में? One, the number of shares exchanged between them is one, okay, number of orders entered in the market is two, number of order की बात करोगे तो दो पंच हुए, एक ने buy एक ने sell, but number of hands exchanged is only one, तो आज कल के दिन 57,079.927 शेयर्स एक्सचेंज हुए बायर से सेलर से बायर को। सबको समझ में आ गया? या तो ऐसे समझ लो, या तो दोनों तरह समझना तो वैसे भी समझ सकते हो, बट सबसे आसान तरीका होता है वॉल्यूम के चक्कर से निकलने का कि नेस्ले के 1,43,000 शेयर्स हैंड्स एक्सचेंज हुए सेलर से बायर को। डन एवरीवन? सबको समझ में आ गया? तो ये नंबर है, नंबर ऑफ शेयर्स है कितना हुआ, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या रिलेशन है प्राइस से? भाई सब कुछ रिलेशन है प्राइस से वॉल्यूम का। आप में से कुछ लोगों ने आज तक शायद बिड और आस्क का बॉक्स नहीं देखा होगा। देखा है कितने लोगों ने बिड और आस्क का बॉक्स? देखा होगा कई लोगों ने नहीं देखा होगा यहाँ पे, है ना? बिड आस्क का अगर मैं बॉक्स बोलूंगा, बिड आस्क बॉक्स लिखता हूं, तो बिड आस्क बॉक्स एनएससी देखते हैं, बिड आस्क बॉक्स ज़ेरोधा देखते हैं, मार्केट डेप्थ देखो, मार्केट डेप्थ देखते हैं। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू सी? ये मार्केट डेप्थ नाम की चीज होती है जिसमें बिड और यहाँ पे ऑफर मतलब आस्क, कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 199.75 पैसे पे एक आदमी ने ऑर्डर लगाया है कि उसको 12 शेयर खरीदना है, खरीदने वाला महंगे में खरीदना चाहता है कि सस्ते में खरीदना चाहता है? सस्ते में। उल्टी बात है मार्केट में, हमको लगता है कि बायर प्राइस बढ़ाते हैं, बट बायर हमेशा प्राइस नहीं बढ़ाना चाहता, बायर चाहता है हमेशा सस्ते में लेना 75 पैसा, और सेलर हमको लगता है प्राइस गिराता है, लेकिन सेलर एक्चुअली में प्राइस बढ़ाता है क्योंकि वो महंगे में देना चाहता है, ये 15 पैसे ऊपर बेचना चाहता है और सीधे 80 क्वांटिटी बेचना चाहता है। ओके, तो अब ध्यान से देखें, और ये आदमी सिर्फ 12 लेना चाहता है। अगर इसको मन करेगा कि भाई मेरे को नहीं, मेरे को मिल नहीं रहा है, अगर ये अपना रेट 90 कर देगा तो भी इसको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 12। ये तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या ये आदमी सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं। तो इसको अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये 68 क्वांटिटी के लिए वेट कर सकता है कि नहीं भैया मेरे को निकाल दो, एक रुपए गिरा दिया प्राइस इसने, क्योंकि देखो उतने बायर, देखो 2000 में तो 1,13,000 क्वांटिटी की राउंड फिगर नंबर है, और 79 लोग हैं ये ऑर्डर, मतलब लोग 79 लोग बैठे हैं ट्रेडर्स जो बैठ के सेल करना चाहते हैं, तो 2000 तो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा ये रेजिस्टेंस। बट अभी मैं आपको चीज समझा रहा हूं ना,
कई लोग ट्राई करते हैं इसका डेटा यूज करके वो करने के लिए, ट्रेड करने के लिए. मत यूज करना, ये बिल्कुल ट्रेडिंग में काम नहीं आता. ये सिर्फ अभी समझाने के काम आ रहा है, क्योंकि कभी भी इससे ज्यादा क्वांटिटी ना बेचने के लिए आ सकती है. वो ऑर्डर पंच नहीं किया होगा किसी बड़े FII ने, बड़े HNI क्लाइंट ने, एक बटन दबाएगा ब्रेक हो जाएगा, आपका सारा एनालिसिस फेल हो जाएगा. तो नेवर एवर लुक एट दिस. दिस इज ओनली आई एम टेलिंग यू टू क्रिएट अ कंसेप्ट इन योर माइंड, डोंट ट्राई टू ट्रेड दिस. सो ये जो चीज दिख रही है आपको बिड आस्क का बॉक्स, ये बॉक्स जो है आपको बताता है इतने लोग खरीदना, इतने बेचने वाले हैं. तो भले ही दो साइड, भले ही ये दो साइड ऑर्डर डला हुआ है, लेकिन जब हैंड एक्सचेंज होगा तो एक शेयर एक्सचेंज होगा कि दो एक्सचेंज होगा, सोच के देखो. ये दोनों में जब मैच होगा, जब दोनों मैच करेंगे, तो एक ही शेयर है जो इससे इसको आएगा, ये याद रखना. ठीक, तो ऐसे करके ना थोड़ा आसान हो जाता है आपके मन में, ऐसा करके आपको आसान हो जाता है समझना. ठीक है. अच्छा, कई लोग बोलते हैं निफ्टी 50 में क्यों वॉल्यूम नहीं दिखता. अभी निफ्टी 50 पे क्लिक करूंगा, देखो वॉल्यूम गायब हो गया, वॉल्यूम में ऐसा क्वेश्चन मार्क बना गया, नो वॉल्यूम डेटा लिखा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में भी नहीं दिख रहा है, ICICI में दिख रहा है. क्योंकि यहाँ जो निफ्टी 50 है, ये जो वॉल्यूम आ रहा है 35 लाख, नहीं, इट्स नॉट अबाउट नो बायर, इट्स अबाउट कैसे नो बायर. व्हाट इसका मतलब है कि निफ्टी 50 को तो खरीद ही नहीं सकता ना. हमने पहली क्लास में क्या डिस्कस किया था, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 क्या है, क्या निफ्टी 50 पेपर वर्क है, क्या निफ्टी 50 पेपर वर्क है, कागज है, कागज का टुकड़ा है, असली में कुछ है ही नहीं. निफ्टी 50 तो मैप पेपर वर्क है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसका तो कोई ओनर ही नहीं है. जब कोई ओनर नहीं तो बेचोगे कैसे, जब कोई ओनर नहीं तो बेच कौन सकता है निफ्टी को, भाई बेच ही नहीं सकते ना. इसलिए निफ्टी को ट्रेड करने के लिए ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नाम की एसेट क्लास होती है, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, निफ्टी 100 में, निफ्टी 200, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, सब में, निफ्टी मेटल में ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, बट खरीद नहीं सकते. तो ये जो वॉल्यूम दिखाता है, ये क्या, कौन सा वॉल्यूम हुआ, ये इनको जोड़ोगे ना आप, जब सबको जोड़ लोगे तो उसका एडिशन है बस, दैट इज ओनली दैट अक्यूमुलेशन. सो देयर इज नो वॉल्यूम. डू यू अंडरस्टैंड, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये सिर्फ थ्योरी का वॉल्यूम है कि 35,08,19,323 शेयर इन सबको जोड़ के बनते हैं. ये मैथमेटिकल एडिशन है बाकी सारे शेयर्स का, इट इज नॉट अ रियल वॉल्यूम, तो इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं है. हाँ, हालांकि जब निफ्टी फ्यूचर करके एक चीज होती है ना, निफ्टी लिखते हो तो निफ्टी फ्यूचर्स दिखा रहा है. फ्यूचर्स एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं. फ्यूचर और ऑप्शन दो तरीके होते हैं, थोड़े से महंगे और रिस्की और रिवॉर्डिंग होते हैं. जो ये क्लिक करने पे फ्यूचर खोलोगे तो दिखेगा वॉल्यूम आपको, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है. और फ्यूचर में जो ट्रेडिंग हो रही है, क्या वो नंबर और ये नंबर अलग अलग होंगे, निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 फ्यूचर में जो ट्रेडिंग का नंबर होगा, क्या वो अलग होगा? हाँ, वो अलग होगा, क्योंकि वो टोटल अलग चीज है. निफ्टी फ्यूचर्स का नंबर निफ्टी से अलग होता है. यहां से देखो, यहां देखोगे अगर आप ध्यान से, तो आपको देखने मिलेगा निफ्टी सेक्टर पे क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 450 पे, ये 433 पे निफ्टी फ्यूचर, तो अलग दिखेगा. ठीक है, तो पहले वॉल्यूम इंडिकेटर पढ़ाने के पहले मैंने आपको बहुत सारा बेसिक क्लियर कर दिया. अभी फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर अलग प्रोडक्ट, अलग ही चीज होती है. निफ्टी फॉलो, भले वो निफ्टी को फॉलो करता है, लेकिन चेंजेस आते हैं क्योंकि लोगों का इंटरफेरेंस होता है उसमें. ठीक है, डन एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉल्यूम नाउ? नीचे जो दिख रहा है, ये नीचे जो दिख रहा है उसको वॉल्यूम कहते हैं. सेटिंग पे आ जाओगे सबसे पहले, सेटिंग पे आने के बाद इनपुट कभी चेंज नहीं करोगे. 20 एक बहुत स्टैंडर्ड नंबर है वॉल्यूम्स चेक करने के लिए, 20 बहुत स्टैंडर्ड नंबर है वॉल्यूम चेक करने के लिए. 20 कैंडल का डेटा निकालेंगे हम, और स्टाइल में आ करके वॉल्यूम तो ऑन रहेगा ही आपका, ये आपका बंद होगा, आपका इंडिकेटर ऐसा होगा. तो आपको इसको चालू करना है और कलर को ब्लैक कर देना है ताकि वो दिखे. ठीक, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम का MA मतलब मूविंग एवरेज, पढ़ेंगे मूविंग एवरेज. तो क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम मूविंग एवरेज में जो ब्लैक लाइन है उसको चालू करना है आपको. ठीक है, डन, इसको चालू करके सेव एज डिफॉल्ट करना है आपको. कैसा, सेव एज डिफॉल्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है. डन एवरीवन, क्लियर हो गया क्या करना है. दिस इज ऑफ, इसको ऑन करना है, कलर को ब्लैक करना है, सेव एज डिफॉल्ट करके जिंदगी भर के लिए सेट करके छोड़ देना है. डन, ओके. नाउ
अब क्या है, इस वॉल्यूम को कैसे यूज करते हैं, अब इस वॉल्यूम का क्या है हमको यूज करना है। ओके देखो, हर इंडिकेटर पढ़ाने का लगता है कि सर ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते कि इनके पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, याद रखना ठीक है। अब देखो नीचे जो वॉल्यूम बार दिख रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये बड़ा बार बन रहा है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है। बट उसके पहले एक हम एक बेस क्लियर कर ले हमारा, क्या यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे बायर ज्यादा है और रेड का मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा है, क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बायर बढ़ गए और यहाँ पे सेलर बढ़ गए, यहाँ पे बायर बढ़ गए, यहाँ पे सेलर बढ़ गए, क्या इसका ये मतलब है? किसी को ऐसा लगता है कि ग्रीन का मतलब बुलिश वॉल्यूम, रेड का मतलब बेरिश वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता होगा? जब बहुत डेप्थ में घुसोगे ना तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होता है, वो भी सिर्फ बात करने की बात है, असलियत क्या होती है यार? देखो भले ही बायर ज्यादा खड़े हो, सेलर ज्यादा खड़े हो, लेकिन जब ट्रेड होगा तो क्या बराबर में ही मैचिंग होगी? राइट, मैच तो बराबर ही होंगे, भले एक करोड़ बायर हो, सेलर एक लाख हो, तो एक लाख ही सेल हो सकता है। तो पहली बात तो बुलिश वॉल्यूम बेरिश वॉल्यूम नाम की कोई चीज नहीं होती, बायर एंड सेलर विल ऑलवेज बी इक्वल इन द वर्ल्ड, यस और नो? कि वो चेंज नहीं हो सकते, भले नंबर खड़े हो, मैं अग्री करता हूं, मैं बहस करने के लिए भी अग्री करता हूं, हाँ भाई बायर होंगे ज्यादा, लेकिन जब तुम ट्रेडिंग फ्लोर पे आओगे तो क्या बायर ज्यादा हो तो ज्यादा खरीद लोगे, सेलर से नहीं खरीद सकते ना? अगर 100 शेयर की सप्लाई है तो 100 ही डिमांड हो सकती है, 120 तो खरीद नहीं सकते, तो बायर सेलर तो हमेशा सेम होंगे। तो ये बोलना तो बहुत स्टुपिडिटी है कि बायर बढ़ गए सेलर बढ़ गए, स्टुपिडिटी है। बायर सेलर आर ऑलवेज इन इक्वल नंबर्स, दे विल ऑलवेज बी इन इक्वल नंबर इन फ्रंट इन द मार्केट, दिस इज वन थिंग वी आर क्लियर विद। नाउ व्हाट अबाउट दिस बुलिश? नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड बुलिश वॉल्यूम और बेरिश वॉल्यूम। व्हाई? बिकॉज इन रियलिटी वॉल्यूम इज अ नंबर, यस और नो? वॉल्यूम इज हियर 1 million, 3 million, 10 million, 5 lakh, 10 lakh, क्या कोई नंबर बेरिश और बुलिश हो सकता है? कि सर 1 lakh एक बुलिश नंबर है और 1.5 lakh एक बेरिश नंबर है, कि कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता, राइट? तो दो जो बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती बातें, तो बेरिश वॉल्यूम बुलिश वॉल्यूम नाम की कुछ चीज नहीं होती इस दुनिया में, और बायर सेलर हमेशा इक्वल होते हैं, ये याद रखना आपको, ठीक? तो ये कलर क्यों ऐसा रेड ग्रीन है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कैंडल के कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सही बात है, दिख रहा है आप लोगों को? क्या वो सिर्फ कैंडल के कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये देखो, राइट, इट्स ओनली रिफ्लेक्टिंग कैंडल कलर, राइट, सिर्फ कैंडल कलर को रिफ्लेक्ट। तो बेसिकली अगर हम ये सारे के सारे वॉल्यूम्स का, अगर हम चाहें तो सारे वॉल्यूम्स का अगर कलर ग्रे कर दें, अगर ग्रे कर दें, क्या तो भी एक ही मतलब होगा? यस, तो भी एक ही मतलब होगा, तो भी एक मतलब होगा, फिर भी हम रख लेते हैं जस्ट टू नो द कलर। अच्छा क्या, तो क्यों? देखो क्योंकि एक चीज, अच्छा लोग बोले ऐसे कैसे कलर का हम रख सकते हैं, या एक बात बताओ, यहाँ पे ये कितने पे, ओ कितने पे क्लोज हुआ है? 4.14 पे क्लोज हुआ है। अगर ये 4.13 पे क्लोज हो जाता, अगर ये 4.13 पे 0.80 पैसे पे क्लोज हो जाता, तो क्या उस वॉल्यूम का कलर रेड हो जाता? तो क्या यार आप 1 रुपए मूवमेंट से पूरे वॉल्यूम को बेरिश वॉल्यूम बोलने लगोगे आप? नहीं, इस बॉक्स के अंदर बायर और सेलर दोनों की लड़ाई हुई है ये बताया जा रहा है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लड़ाई हुई है ये बताया जा रहा है। डू यू क्लियर हो गया आपके मन में अब वॉल्यूम का मतलब है ना? तो कलर मैटर नहीं करता और बायर और सेलर बराबर होते हैं, और कुछ बेरिश बुलिश वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम सिर्फ बताता है नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज्ड। डन एवरीवन? तो बेसिक्स आर क्लियर ऑफ वॉल्यूम। नाउ व्हेनेवर दिस ब्लैक लाइन, व्हेनेवर दिस ब्लैक लाइन हैज बीन कट, अच्छा क्या होता है? ए, दूसरा डाउट, कई लोगों को लगता है कि सर इस वाले में ज्यादा वॉल्यूम है, फिर इस वाले में उससे कम है, और इस वाले में और कम है, इसमें ये वाले में सबसे ज्यादा है, फिर ये वाले में ज्यादा है, फिर ये वाले में ज्यादा है ना, फिर ये वाले में ज्यादा है, फिर उससे कम इसमें है, फिर इसमें ज्यादा है सर, लेकिन इसमें कम है और इसमें कम है, ऐसे ही देखते हैं ना हम लोग वॉल्यूम अभी तक, तो है ना, हमको ऐसे ही देखना आता है कि उसमें कम है। गलत है, गलत, ऐसे नहीं देखते वॉल्यूम में, सिर्फ एक चीज देखते, जब ये ब्लैक लाइन कट गई,
ये ब्लैक लाइन कट गई ना, तो ये भी मेरे लिए हाई वॉल्यूम है, 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 ये भी हाई वॉल्यूम है, ये भी हाई वॉल्यूम है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 कैंडल मेरे लिए क्या है, हाई वॉल्यूम कैंडल है, मेरे लिए बिल्कुल भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं? जब भी ब्लैक लाइन कट गई ये सारे बराबर है मेरे लिए। अब ये तीनों में मैं कोई वो नहीं करूंगा डिफरेंसिएशन कि ये वाला अच्छा है सर, ये अच्छा नहीं है, ये सारे अच्छे हैं, कलर तो मैटर करते ही नहीं, हमने बोला, हमने पहले डिसाइड कर लिया कलर तो मैटर करता ही नहीं है। ये तीनों, इनफैक्ट ये चौथा भी ब्लैक लाइन कट कर चुका है, तो ये चौथा भी मेरे लिए बराबर है उन सबके। डन। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम? दीज ऑल आर लो वॉल्यूम कैंडल्स, ऑल आर लो वॉल्यूम, नो वॉल्यूम इज हियर, बट ऑल दीज आर हाई वॉल्यूम कैंडल्स। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम्स आर क्लियर टू यू राइट नाउ। ओके, नाउ हाउ टू यूज दिस, नाउ हाउ टू यूज दिस। ओके, सो हाउ टू यूज दिस, इन ऑर्डर टू यूज दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सिनेरियोज। ठीक है, वी विल नीड टू अंडरस्टैंड 4 सिनेरियोज। वी विल कंसिडर प्राइस एंड वी विल कंसिडर वॉल्यूम। हम क्या देखते हैं, प्राइस में अचानक से ना बुलिश मोमेंटम आने लगता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, और हम देखते हैं प्राइस भी बढ़ने लगता है। प्राइस जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हमको देखने मिलता है वॉल्यूम में काफी बड़े स्पाइक आने लगते हैं। क्या हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलना चाहता हूं कि वॉल्यूम अकेले देखने का कोई फायदा है ही नहीं, वॉल्यूम देखने का फायदा है ही नहीं अकेले, वॉल्यूम को जब तक आप वर्सेस प्राइस नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे जब कभी भी प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है और साथ में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है, देख रहा है मैक्सिमम टाइम्स जो लाइन है ब्लैक लाइन काट दी है, तो जब प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मोर ऑफ द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ऊपर जाता मार्केट देख करके? कैन वी से दैट, राइट? अग्रीड एवरीवन दैट व्हेन द प्राइस इज मूविंग अप, क्या सिर्फ बायर बढ़ रहे हैं? नहीं, सेलर भी बढ़ रहे हैं, है ना, सेलर भी बेच रहा है, सेलर को भी अच्छा लग रहा है कि भाई अच्छा प्राइस मिल रहा है मैं बेच देता हूं, सेलर को भी लग रहा है मैं एग्जिट कर देता हूं, मेरे को गुड प्राइस मिल रहा है, मेरे को इतनी सारी क्वांटिटी बेचने का मौका मिल रहा है, बायर भी खरीद रहा है, बायर खरीद रहा है 15 साल बाद के लिए, 30 साल बाद के लिए, LIC कंपनी खरीद रही है 50 साल बाद के लिए, है ना, कोई स्पेन की रिटायरमेंट फंड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में 40 साल बाद के लिए, वो खरीद रही है अच्छे मार्केट, अच्छी क्वांटिटी मिल रही है, बायर जिसको अपना प्रॉफिट बुक करना है वो बुक कर रहा है, तो मतलब बायर और सेलर दोनों बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हेल्दी बुलिश मार्केट, व्हेन यू हैव डिमांड एज वेल एज यू हैव सप्लाई। इफ यू डोंट हैव सप्लाई देयर इज नो, कोई मतलब नहीं, प्राइस जबरदस्ती इन्फ्लेट हो जाएगा, प्राइस बढ़े क्वांटिटी नहीं मिलेगी, तो जब मार्केट में वॉल्यूम भी होता है प्राइस ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट, इसका ये मतलब होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? राइट, सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1। नाउ यू सी द प्राइस इज स्टिल मूविंग अपसाइड, द प्राइस इज गोइंग हायर हाई, ऊपर जा ही रहा है प्राइस, बट देन यू सी अचानक से क्या देखते हो, वॉल्यूम ना बढ़िया आ रहा था, फिर अचानक से वॉल्यूम में लो हो गया एकदम। कभी कभी ही अपन को एक बड़ी स्पाइक देखने मिलती थी और मैक्सिमम टाइम पे अपन को लो वॉल्यूम देखने मिल रहा है, तो यार इसका क्या मतलब है? देखो, क्या मैं बोल सकता हूं प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बेचने वाला भी नहीं बेच रहा है क्वांटिटी, अब उसका रीजन है भाई मैं फ्यूचर में बेचूंगा, उसको लग रहा है बहुत बढ़िया स्टॉक ले लिया है मैंने, या उस और खरीदने वाला लेकिन सामने नहीं आ रहा, खरीदने वाला भी सामने नहीं आ रहा, हो सकता है बेचने वाला रेडी हो बेचने के लिए, पॉसिबल है कि बेचने वाला रेडी हो एक सिचुएशन में, लेकिन खरीदने वाले कम आ रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब आ रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं हो रहा उनको, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, बायर ही बायर से खरीद रहा है। ये बात समझने में काफी समय लगेगा आप लोगों को, बट समझ जाओगे इस क्लास के एंड तक, बायर ही बायर से महंगे में खरीद रहा है, कि कोई बुलिश पार्टिसिपेंट था उसी ने खरीदा, उसने फिर किसी को बेच दिया बुलिश पार्टिसिपेंट को। सो व्हेन द मार्केट में उतनी क्वांटिटी नहीं है तो प्राइस जल्दी बढ़ता है, आपको मालूम है ना, 10 शेयर में भी 10 रुपए बढ़ सकता है SBI का,
और हजार शेयर में भी एसबीआई का हजार बढ़ सकता है। ये चीज मालूम है आप लोगों को, नंबर मैटर नहीं करता प्राइस बढ़ाने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए बायर सेलर का अग्रीमेंट किस प्राइस पे सेल हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर इस आईफोन को मैं बोल दूं ये मेरा आईफोन है और ये मेरा बहुत प्यारा बहुत ज्यादा लकी आईफोन है, इससे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैं बोल दूं भाई मैं इसको 2 लाख में बेचूंगा, अगर मैं बोल दूंगा और कोई ले लेता है तो क्या इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाएगी? बोलो नंबर कितने बेचे, कितने आईफोन बेचे? एक ही बेचा मैंने। और जब वो बंदा बोलेगा नहीं नहीं ये तो झूठ है, ये सब तो स्किल का काम है, लक वक कुछ नहीं होता, मेरा तो ट्रेडिंग में लॉस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या? अगर बोलेगा भाई मैं तो 80 में बेच रहा हूं, तो क्या इसकी मार्केट वैल्यू 80,000 में हो जाएगी? हो जाएगी इसकी वैल्यू 80,000। तो प्राइस किस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या रेट पे डील किया, उस पे डिपेंड करता है। कितने आईफोन डील किए, अब 2 बेचेगी 4 बेचेगी 1 बेचा मैटर नहीं करता, याद रखना। तो प्राइस चेंज तो देखो किसके कारण होता है, अग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। अब डिमांड और सप्लाई जो होती है कि कितनी डिमांड सप्लाई है वो क्वांटिटी से अलग की बात है। एनीवेज अब यहां पे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है। मतलब क्या है, क्या पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है बढ़ते मार्केट में? क्या ये मतलब है इसका? मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम कर रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, क्या इसका यही मतलब है? डिमांड सप्लाई की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि डिमांड तो बढ़ती ही दिख रही है मेरे को, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है। आई वोंट यूज द वर्ड डिमांड ओवर हियर बिकॉज डिमांड सप्लाई कम्स टुगेदर। आई विल ओनली यूज द वर्ड पार्टिसिपेंट्स, करेक्ट आकाश वर्मा? ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, डिमांड बोलूंगा तो गलत है ना, डिमांड तो दिख रहा है बढ़ रहा है स्टॉक का, डिमांड तो बढ़ रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, डिमांड की बात नहीं है मैं यहाँ पे, डिमांड सप्लाई मैचिंग की बात है, वो जितना मैच हो रहा है उतना बढ़ रहा है। मैं पब्लिक पार्टिसिपेंट की बात कर रहा हूं, पहले सेम डिमांड सप्लाई 1 लाख लोगों में होती थी, आज सेम चीज 50,000 लोगों में हो रही है, पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं, मैं बोल सकता हूं लिक्विडिटी कम हो रही है। ऐसे में अगर अपर सर्किट लगा लोअर सर्किट लगा, अपर सर्किट लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, पब्लिक को मालूम चलता है पार्टिसिपेंट नहीं है, हम फालतू का बाय कर रहे थे, वो सेल करने की कोशिश करते हैं तो कोई खरीदने को रेडी नहीं होता है उस प्राइस पे, तो वो गिराते हैं प्राइस गिराते जाते हैं, कोई खरीदने को रेडी है ही नहीं, सारे बेचने वाले हैं, तो वो एकदम लोअर सर्किट पे डाल देते हैं प्राइस, और ये देख के बाकी सब पैनिक कर जाते हैं, मार्केट 20 दिन तक लगातार गिरता है, क्योंकि लगातार लोग आए भाई कोई भी रेट में बेचना चाहते, भाई निकाल दो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाए, उससे अच्छा मैं 50% लॉस ले लूंगा, लोग बोलते हैं। और इसीलिए घटिया शेयर्स में लोअर सर्किट लगने लगता है, क्योंकि लोग एकदम लोएस्ट बेट डाल देते हैं कि कैसे भी निकाल दो, और नहीं निकालते, लोअर सर्किट लगता है, मार्केट बंद आज के लिए, कल खुला फिर लोअर सर्किट। तो कई जो घटिया स्टॉक्स होते हैं देखोगे उनके ग्राफ कैसे छोटे 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 ऊपर और वैसे छोटे 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 नीचे ऐसे चलता है। तो ये कब होता है, जब पार्टिसिपेंट्स नहीं होते आपके पास। इसीलिए अच्छा स्टॉक उसी को बोलते हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम होता है, और सारे निफ्टी 50 के निफ्टी 100 के अच्छे वॉल्यूम स्टॉक्स ही होते हैं, स्मॉल कैप नहीं होते। तो आर यू क्लियर विद द सेकंड सिचुएशन एज वेल, द प्राइस इज गोइंग अप बट द मार्केट इज हैविंग लो वॉल्यूम, दैट मीन्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलिश मार्केट, दैट मीन्स इट इज अ वीक बुलिश मार्केट, इट मे टर्न अराउंड, इट डज नॉट मीन आपको सेल कर देना चाहिए, इसका मतलब है आपको नया बाय नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन आपको सेल तब करना चाहिए जब एक बड़ा रेड कैंडल मिले बड़े टाइम फ्रेम पे और हाई वॉल्यूम तब आए उसमें, तो कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये एक गिरने के पहले का सिचुएशन है मार्केट के, ठीक। द सेकंड सिचुएशन इज अ अर्ली बेरिश मार्केट, इट्स एन अर्ली बेरिश और लेट बुलिश मार्केट, ठीक, क्लियर हो गया, अर्ली बेरिश लेट बुलिश। अब तीसरे सिचुएशन में हम तीसरा सिनेरियो देखते हैं कि अब ना अचानक से प्राइस में अच्छा फॉल आने लगता है, मार्केट लोअर लोस बनाने लगता है, तो वॉल्यूम देखते तो वॉल्यूम भी स्पीड में बढ़ने लगता है, ऐसा वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरने लगता है। तो क्या बोल सकता हूं इस मार्केट के बारे में, व्हाट आई कैन से अबाउट दिस मार्केट, दैट द मार्केट में पार्टिसिपेशन कब बढ़ रहा है, जब प्राइस में क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, जब द प्राइस इज फॉलिंग, द प्राइस इज फॉलिंग डाउन, द वॉल्यूम्स आर स्पाइकिंग अप। इसका क्या मतलब होता है बताओ,
इसका मतलब है पार्टिसिपेशन जो हो रहा है मार्केट में वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मार्केट में जो पार्टी लोग थे, इंसान थे, ट्रेडर्स थे, वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लोगों को इंटरेस्ट किसमें है, प्रॉफिट बुक करने में है। बायर को भी खरीदने, बायर को भी मजा आ रहा है इस सिचुएशन में। बायर कौन होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको चाहिए। देखो उनको आप मानो ना मानो, बड़े एफआईआईस को एचडीएफसी बैंक का 5 लाख क्वांटिटी चाहिए। अभी मिलता नहीं है 5 लाख क्वांटिटी कभी, लेकिन पैनिक सेलिंग में 1400 रुपए में, 1500 रुपए में, भले ही पब्लिक को लग रहा है कि इसकी वैल्यू कम है, इसीलिए तो बेच रही है। पब्लिक क्यों बेचती है, उनको लगता है ये स्टॉक उतना डिजर्व नहीं करता। बट एफआईआई इसको मालूम है कि एचडीएफसी बैंक तो 1400 रुपए नहीं, 14000 में भी हमको चलेगा जब वो 50 साल बाद उसकी वैल्यू होगी। बट इतनी क्वांटिटी उनको कभी नहीं मिल सकती। तो व्हेनेवर पब्लिक इज पैनिक सेलिंग, हु इज बाइंग, द स्मार्ट मनी इज बाइंग। व्हाई स्मार्ट मनी इज बाइंग, आर दे नॉट स्मार्ट, दे आर रियली स्मार्ट, दे आर बाइंग फॉर व्हाट, क्वांटिटी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि जब उनकी मर्जी होती क्वांटिटी खरीदने की ना, अगर वो हैवी क्वांटिटी मार देंगे ना तो क्या होगा बताओ उससे, तो वो क्या होगा, स्पाइक आ जाएगा, बाय धूप खूब ऊपर बढ़ जाएगा। तो वो ये कर नहीं सकते, खुद का लॉस थोड़ा ना करेंगे खरीद के बढ़ा दिए प्राइस। तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड व्हेन पब्लिक इज पैनिक सेलिंग, व्हेन देयर इज अ बेरिश मार्केट, इवन एफआईआईज वांट्स टू बाय एट चीपर प्राइस, दे आर गेटिंग गुड क्वांटिटी एट चीपर प्राइस। वो आज की वैल्यू से नहीं खरीदते हैं, फ्यूचर वैल्यू से खरीदते हैं कि भाई आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा करके खरीदते हैं। Do you understand why participation is increasing right now? क्योंकि मार्केट कैसा हो चुका है, बेरिश हो चुका है। बेरिश मार्केट में भी बायर मिलता है, बुलिश मार्केट में भी सेलर मिलता है, याद रखना। बुलिश मार्केट में भी कोई सेल करता है, बेरिश मार्केट में भी कोई बाय करता है, सब अपना अपना होता है, ठीक है। बुलिश मार्केट में कौन सेल करता है, प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जो आज से इन लोगों ने जो आज से 10 साल पहले खरीदा होगा उसका भी तो प्रॉफिट बुक करना होगा। डू यू अंडरस्टैंड, बुलिश मार्केट में कौन बेच रहा है, इन्होंने आज से, आपको लग रहा है आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, डू यू थिंक एफआईआई आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, डू यू थिंक सो, नहीं, दे हैव 15 साल 25 साल पहले से शेयर बाय कर रखे हैं, 2-2 रुपए पे बाय, 50-50 रुपए बाय किया है, उसको बुक करते हैं, दे बुक दैट प्रॉफिट। सो दे आर वर्किंग लाइक दैट, इज व्हाई दे कॉल्ड स्मार्ट मनी। यू थिंक दे आर फूलिश that they are selling in bullish market, they are selling in bullish market because they want quantity. So, सारा game quantity का होता है। ये काम, ये बात trading में काम नहीं आएगी, लेकिन आपकी psychology बनाने में काम आएगी stock market की। आपको समझ में आएगा कि market कैसा काम करता है। इसी, ठीक है? तो quantity का ही game होता है। So, done guys, you understand why it is called a strong bearish market? Because people are selling also, people are buying also. The market is strong bearish. ठीक? And the last phenomena would be when the price is falling down. The price is falling down like this, but volumes are not that good. नहीं आ रहा है volume. Volume ऐसा चल रहा है. तो इसका क्या मतलब है? Price तो नीचे गिर रहा है और volume भी नीचे गिर रहा है. मतलब अब क्या हो रहा है? सेल करने के लिए भी कोई नहीं, बाय करने के लिए कोई भी नहीं। इज दिस अ साइडवेज मार्केट? देखो कभी प्राइस को वॉल्यूम में कंफ्यूज मत किया करो। पार्टिसिपेशन, मैंने बोला ना, एक आईफोन भी बेच दिया मैंने तो भी प्राइस चेंज हुआ, 10 आईफोन बेचूंगा तो भी प्राइस चेंज होगा। ये होता है बायर सेलर के बीच का कंफर्मेशन। तो यहां पे ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने। इससे क्या मालूम चलता है कि अर्ली इंडिकेशन है किस चीज का, एक बुलिश मार्केट का, एक टर्न अराउंड इन प्राइस का। तो आप ऐसे समझ सकते हो ये एक वीक बेरिश मार्केट है, कि अगर थोड़े समय में बुलिश मार्केट स्टार्ट होता है हाई वॉल्यूम के साथ तो क्या वो अच्छा टाइम रहेगा एंटर करने का, क्या वो अच्छा टाइम रहेगा डिप बाय करने का? यस, जैसे ही ग्रीन कैंडल मिलती है अपन लोगों को, एक टर्न अराउंड इन प्राइस मिलता है और वॉल्यूम हैवी मिलता है, तो वो कौन सा केस बन जाएगा? केस नंबर 1। यू रिमेंबर द केस नंबर 1? तो ऐसे साइकिल चलते रहती है मार्केट की। द मार्केट वर्क्स इन साइकिल्स लाइक दिस। तो आपको चारों केस समझ में आ गए गाइस? All 4 cases are clear to everyone of you right now. सबसे पहले price क्या हुआ? ऊपर जा रहा है और volume भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? Strong bullish, right? And then आपने देखा price ऊपर जा रहा है but volume नीचे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? Weak bullish, right? इसके बाद देखा आपने price नीचे जा रहा है
और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इट्स कॉल्ड वीक बेरिश मार्केट, राइट? व्हेन प्राइस इज फॉलिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट, राइट? ओके एवरीवन, सो वी जस्ट लर्नड टू इंडिकेटर्स टिल नाउ. ओके, वी जस्ट लर्न टू इंडिकेटर्स टिल नाउ. अभी इसका यूज कैसे करते हैं? इसका सिर्फ इतना यूज है कि जब भी ब्रेकआउट आता है ना, तो मैंने बताया था वॉल्यूम हाई होना चाहिए. आपको याद है पॉइंट नंबर टू क्या है ब्रेकआउट सीक्रेट्स का? हाई वॉल्यूम होना चाहिए, राइट? तो जब भी ब्रेकआउट हो रहा होगा तो हाई वॉल्यूम होना चाहिए. लेकिन एक बात बताओ, क्या हाई वॉल्यूम सब कुछ मैटर करता है कि कैंडल का शेप भी मैटर करता है, प्राइस का मूवमेंट मैटर करता है? मान लो ऐसी कैंडल में हाई वॉल्यूम है तो पब्लिक का मूड क्या लग रहा है? और ये रेड है, मान लो दिस इज इवन रेड, पब्लिक का मूड क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हाई वॉल्यूम है, रिवर्सल, राइट? नाउ दिस इज कॉल्ड रिवर्सल. एंड एक बुलिश एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल है, उसमें हाई वॉल्यूम मतलब ब्रेकआउट. ओके, ये मत भूलना. हाई वॉल्यूम से ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि प्राइस में क्या मूवमेंट आ रहा है उस टाइम पे, राइट? क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, नाउ आई विल नॉट सजेस्ट यू टू एनी. आपको क्या होता है, आपको हमेशा वॉल्यूम्स का ध्यान रखना है. देखो, जैसे ही देखो, ये जो कैंडल थी, इज दिस अ एक्सट्रीमली हाई कैंडल? देखो यहां, देखो देखो वॉल्यूम आ रहा है, देख रहा आपको वॉल्यूम का साइज? अब देखो, इज दिस अ हाई वॉल्यूम कैंडल? जस्ट वन मिनट गाइस. Okay, so you see a high volume candle over here, right? So this is telling you that the breakout is genuine. देखो market उसके बाद भी ऊपर गया, फिर selling भी उसी तरीके से आ गई. This is an event, ये इसका event day था. Event day के दिन ऐसे ही होता है. तो इसको use कहाँ करते हैं? You can use this to identify breakdowns, यार, है ना? आप breakdowns use कर सकते हो, but problem तब आती जब आप हर एक candle को watch करने लगते हो. This cannot be used too much in intraday. 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज नहीं होता है बहुत ज्यादा. ये सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझने में काम आता है. जैसे देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स बोलने का मतलब था मेरा कि जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग, कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन देखते हैं. ओके, लेट्स लुक एट दिस जोन. ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको, एक इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे. देखो ये दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन आप लोगों को, दिख रहा है, राइट? है ना? तो जब ये यहां पे ब्रेकआउट आया ना, देखो जब इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया वापस आ गया. लेकिन जब ये तीन ब्रेकआउट आए, दिख रहा है आपको, तीनों में हाई वॉल्यूम है. यू सी दिस? देखो, तो ये जब एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करते, देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है. जब भी इसमें ब्रेक किए, एक वॉल्यूम हाई था, फिर रेड कैंडल, फिर एक वॉल्यूम, फिर नो. बट ये लगातार तीन कैंडल बनता है और लगातार तीन बार हाई वॉल्यूम होता है, तो ये बताता है कि ट्रेंड ही अप हो चुका है. दिख रहा है आपको कैसा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है? दिख रहा है? तो ये जो वॉल्यूम है ना, अगर एकदम पावर से यूज करना है तो यू विल बी वेरी मच कंफ्यूज्ड. उससे सर यहां पे तो हाई वॉल्यूम है ग्रीन का, तो क्या बाय कर लू? देखो वो तो साइडवेज गया. दिख रहा है आप लोग को कि कैसा साइडवेज जा रहा है? तो ना आपको ना कभी यूज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप इसको इंट्राडे लेवल पे यूज करना चालू करोगे तो. ठीक है, सो डोंट यूज इट फॉर इंट्राडे लेवल्स, ओनली यूज इट ऑन ब्रेकआउट ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स. एंड जब आपको ब्रेकआउट सिचुएशन देखनी है, जैसे यहां आपने देखा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है क्या? देखो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक यहां पे हो रहा है ना, राइट? यहां पे हो रहा है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक, दिख रहा है? अग्रीड एवरीवन? डू यू सी इंक्रीज इन वॉल्यूम? हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है. तो सिर्फ बड़े जैसे इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेक होते हैं ना, सिर्फ तब अपन को काम आता है और कभी काम नहीं आता ये. और बाकी आपको नॉलेज होना जरूरी था वॉल्यूम होता क्या है, तो आपको मालूम चल गया वॉल्यूम होता क्या है. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉल्यूम. नेक्स्ट इंडिकेटर विल लर्न इज, ठीक है आप देख लो सुपर ट्रेंड. मैं कौन से यूज करो? सुपर ट्रेंड वर्जन 1.0 लिखा हुआ है इसमें. ठीक है, अच्छा वर्जन से कोई मतलब नहीं होता, सेटिंग्स देख लो वो इंपॉर्टेंट होती है. 3 and 10, द फैक्टर इज 3, द पीरियड इज 10. दो चीजें होती हैं, आप देख लो 3 and 10 लिखा हुआ है. बेसिकली दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग, दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग. ओके,
नाउ स्टाइल को मैटर ही नहीं करता. ओके नाउ आ जाते हैं, क्या इंडिकेटर है? ये दुनिया का सबसे बेसिक इंडिकेटर है जो सीधे आपको बोलता है भाई बाय कर लो या सेल कर लो. सुपर ट्रेंड एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है. मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, इस पॉइंट से. देखो इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे जब प्राइस यहां था और ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आप लोगों को. ये ग्रीन लाइन ना सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही थी. जब ये सपोर्ट टूटा तो ये एरो दिख रहा है रेड वाला आपको, इसने क्या बोला? सेल कर दो. बस, तो सेल कर दिया आपने. ठीक, जब आपने सेल किया तो क्या ये पास हुआ इंडिकेटर और फेल हो गया? बताता हूं क्यों फेल हुआ. अब जैसे ही इसने सेल बोला, क्या पढ़ाने लायक बात इसमें ये है कि जैसे ही इसने सेल बोला, ये ग्रीन लाइन का देखा क्या हुआ आपने, रेड लाइन बन गई और ये ऐसे घूमने लगी आपके साथ. ये क्या है, क्या है ये? एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है. यहां देखो, आपको पता है इस मोमेंट पे क्या हुआ था? जब ये कैंडल ऊपर आई ना, इसने बाय बोल दिया. जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर था, बाय का प्राइस साइन आ चुका था, लेकिन क्लोज होते होते नीचे आ गया तो बाय का साइन हट गया. ये प्रैक्टिकल यूज बता रहा, ऐसा होता है. और नीचे आ गया और यहां पे क्लोज हो गई ये कैंडल ग्रीन वाली इसके ऊपर, तो इसने कौन सा सिग्नल दे दिया? बाय सिग्नल दे दिया. तो समझ में आपको व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? ये इसका गेम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस तोड़ता है तो बाय बोल देता है, सपोर्ट तोड़ता है तो सेल बोल देता है. सिंपल है ना. और बाय बोला तो चलो, तो ये ऊपर चला गया अभी तक तो. ठीक, तो सुपर ट्रेंड क्या हुआ? कुल मिलाकर के क्या मैं बोल सकता हूं कि आपने अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची ऊपर और एक नीचे खींची, और प्राइस मान लो ऊपर तोड़ गया तो क्या सिग्नल आएगा? बाय, राइट. और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अब आपने नीचे तोड़ दिया तो क्या सिग्नल आएगा? सेल. तो इजंट इट दिस, क्या यही है ये. बस उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस वो एक फॉर्मूले से निकालता है, 7-3 नाम के फॉर्मूले से, पीरियड और फैक्टर. आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कहां से निकालते हो? लेवल देख के निकालते हो. व्हाट इज बेटर फॉर आई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बेटर? आवर लेवल्स आर मच बेटर देन देयर फॉर्मूला. दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला दैट दे आर यूजिंग. नाउ क्या होता है, सुपर ट्रेंड विल वर्क गुड व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग. मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है, अच्छा इंडिकेटर है. मार्केट साइडवेज गया तो क्या हुआ? लॉस हो गया. यहां पे इंडिकेटर ने क्या बोला यहां पे बाय करने के लिए, और मार्केट गैप डाउन खुला. जब मार्केट यहां गैप डाउन खुला ना, तो जितनी भी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ये नीचे था, ये सेल बोल चुका था, लेकिन क्लोज ऊपर हो गया तो ये ट्रेड चल गया. गुड यार, यहां पे क्या बोला मार्केट ने? सेल. अगर आप इंट्राडे बेसिस पे सेल करते तो क्या आपका प्रॉफिट होता? नहीं होता, है ना. और यहां अब अच्छा, एक और इसका ड्रॉबैक क्या है, इंट्राडे लेवल पे इसने अगर एक बार सेल का सिग्नल दे दिया है तो अगला सिग्नल ही क्या दे सकता है? सिर्फ बाय का. अब ये कुछ नहीं कर सकता. ये और इसका ड्रॉबैक है कि अब ये तो सेल ही समझो, जब तक की रेड तब तक सेल ही समझो, तो सेल समझो, तो सेल समझो. अगर यहां भी ट्रेड लेते 9-15 पे, सेल करते, अगर इसका सेल देख के यहां पे आप सेल कर देते इस ग्रीन कैंडल पे, तो क्या प्रॉफिट होता आपको? तो कुल मिलाकर के टोटल कुछ भी चल रहा है, इट्स नॉट एट ऑल. मतलब यहां पे प्रॉफिट होता, यहां शॉर्ट करते ग्रीन कैंडल पे, थोड़ा प्रॉफिट यहां पे होता दिन के एंड में 3-15 पे. तो कुल मिलाकर के इसका सक्सेस रेट, यहां पे बाय किया हमने तो क्या मार्केट कहीं गया? साइडवेज आके नीचे आ गया. तो इट्स नॉट, देखो यहां पे सेल किया मैंने, मैं यहां पे इस रेड कैंडल पे सेल करूंगा, क्या मैं कमाऊंगा? विल आई मेक मनी? अगर मैं यहां पे बाय करूंगा, विल आई मेक मनी? नो. अगर मैं यहां पे सेल करूंगा इस ग्रीन रेड कैंडल पे,
थोड़ा बहुत, मे बी थोड़ा बहुत आई मेक वेरी लेस मनी ओवर हियर, इफ आई बाय हियर विल आई मेक मनी? सो डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज, तो कुल मिलाकर के डू यू अंडरस्टैंड इसके पहले के बैचेस में मैं क्यों नहीं पढ़ाता था? आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं पढ़ाता था? राइट, बट अब आप, हाँ टिप देने वाली बात ही हो गई, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय साइकोलॉजी, इसके पहले क्यों नहीं पढ़ाता था? नाउ डू यू अंडरस्टैंड आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अब आप लोग को क्लियर हो गया कि देयर इज नथिंग टू लर्न, कि जरूरत नहीं है मेरा कोर्स करके बूमिंग बुल्स का पढ़ना पड़ेगा सुपर ट्रेड। नेक्स्ट इंडिकेटर वी लर्न इज एमएसीडी। एमएसीडी एक बहुत ही बकवास इंडिकेटर है जिसका विन रेशियो बहुत ही खराब है। ये मैं पढ़ाता नहीं हूं, ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं जस्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर और इंडिकेटर क्या फर्क होता है, किसी को मालूम है ऑसिलेटर इंडिकेटर में फर्क क्या होता है? एक ऑसिलेटर जो होता है हमेशा प्राइस के बाहर लगता है, नीचे जो ऑसिलेट करता है। इंडिकेटर जो होता है प्राइस के ऊपर चिपकता है, जैसे इचिमोकु क्लाउड एक इंडिकेटर है, चिपक गया प्राइस के ऊपर। लेकिन आरएसआई खोलूंगा अगर, तो आरएसआई कभी प्राइस के ऊपर नहीं चिपकेगा, वो नीचे चिपकेगा, वो नीचे आएगा। हाउ एंड व्हाई आर यू एबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट? बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ लूजली हेल्ड प्लेस, इट्स नॉट परफेक्ट, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर विजिबल बिफोर हैंड। जैसे ये दिख रहा है, ये देख के मालूम चलता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। इट्स अ लूजली हेल्ड प्लेस, इट्स नॉट क्लोजली हेल्ड प्लेस, परफेक्ट स्टॉक मार्केट बिल्कुल परफेक्ट जगह नहीं है। अगर परफेक्ट होती तो कोई पैसा नहीं बना पाता, अगर परफेक्ट होती तो सिर्फ बड़ी कंपनी पैसा बना पाती, सिर्फ लिमिटेड लोग पैसा बना पाते। लेकिन आज ये ओपन है सबके लिए, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन है अगर आपके पास, यस यू कैन रीड, परफेक्ट। छोड़ो यार, वापस आते, सबको समझ में आ गया ऑसिलेटर और इंडिकेटर में मतलब। चेक इन मनी फ्लो क्या है आपके हिसाब से? क्या है चेक इन मनी फ्लो, इंडिकेटर के ऑसिलेटर? इट्स एन ऑसिलेटर, राइट, इट्स एन ऑसिलेटर, क्योंकि वो प्राइस के नीचे नीचे लग रहा है, राइट। अगर मैं मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड की बात करता हूं, बोलिंजर बैंड क्या है? इंडिकेटर, राइट। अभी इंडिकेटर और ऑसिलेटर में डिफरेंस मालूम चला, कोई एग्जाम में आएगा तो क्या, एग्जाम में आएगा किसी? कभी नहीं आएगा। तो ये सब बात कोई काम आएगी? ये काम की बात नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन की बात है कि जिस फील्ड में आप हो उसकी कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट नो वन नोज अबाउट ऑल दिस, कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या कैसा बोलते हैं, ठीक है। तो एमएसीडी एक ऑसिलेटर है, ठीक है, एमएसीडी एक ऑसिलेटर है जिसको पढ़ने के लिए आपको ये देखना है कि इसमें ना एक तीन चीज होती है, एक ये फास्ट लाइन, एक स्लो लाइन और हिस्टोग्राम। ये लिखा हिस्टोग्राम, दिख रहा है हिस्टोग्राम, ये जो दिख रहा है रेड और ग्रीन हिस्टोग्राम, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ब्लू लाइन को बोलते हैं एमएसीडी लाइन, फास्ट लाइन, ऑरेंज लाइन को बोलते हैं सिग्नल लाइन, स्लो लाइन। तो बस भूल जाओ ऑरेंज वाली को, ब्लू वाली को देखो, एमएसीडी लाइन ब्लू वाली है और हिस्टोग्राम सिर्फ बता रहा है, मतलब रेंज बता रहा है ऊपर नीचे की। तो एमएसीडी लाइन जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट करेगा, कैसा? ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे कट करेगा, मतलब ब्लू लाइन कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे कट कर रहा है तो नीचे जा रहा है ब्लू लाइन, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर ब्लू लाइन ऊपर से नीचे कट कर रहा है तो ब्लू लाइन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये एक सेल सिग्नल हुआ, ओके, तो ये प्राइस भी नीचे जाएगा बोल रहा है। अगर ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर कट किया यहां पे, कैसा, ये ब्लू लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, ब्लू ने नीचे से ऊपर कट किया, मतलब ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये बाय सिग्नल जनरेट करना है, कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना समझाने के लिए मेरे को आपको एबीसीडी पढ़ाना पड़ा कि आप बस ये समझ जाओ। अच्छा, तो ये सेल सिग्नल है कि बाय सिग्नल है? सेल सिग्नल है। क्या काम आया? देखना मार्केट गिरा के आगे, हाँ काम आया। ये कौन सा सिग्नल है भाई, क्या काम आया? फेल हो गया, कहां फेल हो गया ना, देखो उतने में सेल बोल दिया भाई, वो सेल बोल चुका है, उतने में वो सेल बोल चुका है, आप कहां बाय, फिर उतने में बाय कर दिया उसने, ओके। ये कौन सा सिग्नल है, बाय सिग्नल है कि सेल सिग्नल है? यहां पे
क्या काम आया, आया थोड़ा बहुत आया। यहां पे कौन सा सिग्नल है, यहां पे क्या काम आया, साइडवेज थोड़ा सा काम आ गया। ओके, यहां पे क्या सिग्नल है, सेल सिग्नल है, क्या काम आया। दिन बंद हो गया, वैसे दिन बंद हो चुका है, दिख रहा है 3:15 हो चुका है, साइड में घूम गया, 3:15 हो चुका है भाई, वैसे तो 3:15 हो चुका है। क्या देखो, यहां पे इसने सेल बोला, यहां पे इसने बाय बोला, थोड़ा सा वीक बाय बोला, वीक सेल बोला, तो क्या है, इसका विन रेशियो बहुत घटिया है। अगर आप इस इंडिकेटर को ऐसे यूज कर, ये टोटल तुक्केबाज इंडिकेटर है, कभी भी प्राइस ऐसा है, अगर ये प्राइस नीचे जाएगा तो क्या ये ब्लू लाइन क्या करेगा, कट कर देगा, यस और नो। इट इज टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस। अगर थोड़े समय इंडिकेटर ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा कट, तो क्या ये ऊपर कट कर देगा, तो कुल मिलाकर प्राइस जैसा मूव कर रहा है ये कट दिया पड़ा है। तो क्या समझ में आ रहा है, इट्स अ टोटल बुलशिट इंडिकेटर, बुलशिट इंडिकेटर। पीपल थिंक, पीपल आर सेलिंग दिस इंडिकेटर, ये कोई इज्जत नहीं भाई इस इंडिकेटर की, मेक्स नो सेंस। मैंने क्यों पढ़ाया, आपको बताने के लिए कि दुनिया में ऐसे इंडिकेटर है जो लोगों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज टोटल बेस्ड ऑन प्राइस। देखो यहां प्राइस ऊपर जा रहा है, कट मार दिया ऊपर इसने, देखो प्राइस हल्का नीचे गया, सेल मार दिया इसने नीचे, यहां पे क्राइस ऊपर जाना चालू किया, इसने कट मार दिया। अभी कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा ना, गैप डाउन खुलेगा, प्राइस ये कट मार चुका होगा, ऐसा ऐसा खुलेगा मार्केट, तो इसका बस काम है कुछ भी बोलते रहना। ओके, एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, फुल फॉर्म जानोगे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो और फैंसी है, बट एनीवेज आपको क्यों पढ़ाया, एक चीज जो समझने की है कि हमें जब ईएमए क्रॉसओवर्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि यू हैव टू, अगर ये नीचे से ऊपर कट करता है तो एक कौन सा सिग्नल है, बाय, और ऊपर से जो कट करता है कौन सा सिग्नल है, सेल। क्योंकि हम खुद का एक सिस्टम बनाएंगे, हम ईएमए इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमको समझ में आने लगेगा ईएमए, ठीक है। तो ईएमए हमको इतने अच्छे से पढ़ना है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एमएसीडी से क्या सीखा, सिर्फ बाय और सेल कट क्या होता है, डन एवरीवन, खत्म एमएसीडी, और कुछ जानने की जरूरत नहीं आपको एमएसीडी के अंदर, हमें यूज नहीं करना है, हमें बेटर इंडिकेटर्स यूज करने हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाट द बेटर इंडिकेटर्स आर, आई विल टेल यू। ओके, इचिमोकू क्लाउड खोला मैंने यहाँ पे, देखो कैसा इंडिकेटर है, दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज समथिंग दैट जस्ट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, कि यार इतना फैसिनेटिंग है, यूज करने में बेनिफिट होगा क्या। तो सबसे पहले ये छोटे टाइम फ्रेम पे चलता ही नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे चलता, मिनिमम डेली टाइम फ्रेम पे चलता है, ठीक। आ गए इस डेली टाइम फ्रेम पे, क्या होता है, इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, इसको सेंकन बोलते हैं, इसको टेनकन बोलते हैं, ठीक है, सेंकन टेनकन, ब्लू एंड रेड लाइन। अभी आप लोगों को ब्लू और रेड दिख भी ना, ये ब्लू लाइन है सेंकन, ये टेंकन है, ठीक है। अब लीडिंग स्पैन एक ग्रीन लाइन है, लीडिंग स्पैन भी रेड लाइन है, जब वो क्रॉस करते हैं तो ग्रीन क्लाउड बनता है, ये ग्रीन क्लाउड है, जब ग्रीन वाली ऊपर रहेगी और जब रेड वाली ऊपर रहेगी रेड लाइन, देखो तो रेड क्लाउड बनेगा, ठीक, तो उसको क्लाउड बोलते हैं। तो सेंकन और टेंकन मेन चीज है, जब भी ब्लू लाइन, देखो क्या होगा, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को कट करेगी, देखो ब्लू लाइन रेड लाइन को यहां पे कट कर रही है, ब्लू लाइन रेड लाइन को कट करेगी और क्लाउड आगे ग्रीन होगा, और क्लाउड ग्रीन होगा, ब्लू नीचे से ऊपर कट कर रही है, ठीक। व्हाट अबाउट दिस ग्रीन लाइन, इसका क्या काम है, आप अगर देखेंगे ये ग्रीन लाइन नहीं दिखती उस वक्त, आपको दिख रहा है आज हमारा प्राइस यहां पे है, ग्रीन लाइन 26 दिन पीछे है, दिख रहा है आप लोगों को, राइट, डू यू सी दैट, दिस ग्रीन लाइन
उसको किजुन सेन बोलते हैं। अब मैं क्या करूं, नाम ऐसे है तो उसको किजुन सेन बोलते हैं। आपको दिख रहा है किजुन सेन, आपको दिख रहा है प्राइस यहां पे है, किजुन सेन पीछे है ना, पीछे है वो, हमेशा पीछे रहता है। आपको दिख रहा है प्राइस यहां पे क्लाउड 26 दिन आ गया है, ये दिख रहा है। हाँ, ये इंप्रेस करने के लिए है। अब मैं भी क्या इंप्रेस ही कर रहा हूं, क्या करूं, पढ़ाना तो क्योंकि मैंने लिख दिया। अब आपको लगेगा अनीश को नहीं आता क्या, लोग बहुत जज करने लग गए मेरे को, अब क्या करूं, जज करे नहीं करे बट मेरा काम है, अब आगे तो पढ़ा देता हूं। दिख रहा है किजुन सेन 26 दिन पीछे है और क्लाउड 26 दिन आगे है, तो एक ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है पूरे चार्ट पे, वो ये वाला है। देखो यहां पे देखें, जब यहां पे नहीं, पढ़ लो भाई, एक मिनट और है, कम से कम आपको दुनिया में कोई और जब पढ़ाएगा तो मालूम तो चले होता क्या है। यहां पे ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर कट कर रही है, ठीक, कट कर रही है, तो क्या मेरा क्लाउड 26 दिन आगे तक की इंफॉर्मेशन देता, देता ना यहां तक की इंफॉर्मेशन, है ना, यहां रहता क्लाउड मेरा, राइट। क्लाउड कैसा है, ग्रीन है, अभी अभी फोकस करो जो मैं बता रहा हूं, क्लाउड कैसा है, ग्रीन है। कट कैसा मिल रहा है, ब्लू नीचे से ऊपर कट कर रहा है, राइट। और क्या ये ग्रीन लाइन मुझको दिखता, नहीं, मेरे को 26 दिन पीछे जाना है, मेरे को 26 दिन पीछे जाना है, वन देखो, आई हैव टू गो 26 डेज बैक, ओके। इस दिन क्या ये मेरे प्राइस के ऊपर है, देखना क्या ये मेरे प्राइस के ऊपर है, लगभग वहीं पे, साथ में ही है, उसके आसपास है। दिस इज अ बाय सिग्नल, दिस इज अ बाय सिग्नल, ओके, दिस इज अ बाय सिग्नल। उसको छोड़ के एक भी अच्छा बाय सिग्नल पूरे चार्ट पे नहीं, मैंने एनालिसिस किया हुआ है, दिस इज, ये बेहतरीन बाय सिग्नल है, बट क्या ये जो बाय सिग्नल हमने अभी भी ढूंढा, जो बाय सिग्नल हमने अभी भी ढूंढा, क्या वो एक सिंपल प्राइस एक्शन स्टडी के हिसाब से भी बाय सिग्नल है, सोचो, हाँ कि ना, वो एक सिंपल एक लेवल तोड़ रहा है क्या मार्केट, मार्केट सिंपल पावर से तोड़ रहा है एचडीएफसी बैंक इस लेवल को, क्या ये ब्रेकआउट देख के कुछ चीज देखने की जरूरत है हम लोगों को, शुड वी चेक एनीथिंग एल्स, क्या इस दिन वॉल्यूम, क्या इस दिन वॉल्यूम अच्छा है, ब्लैक लाइन तोड़ रहा है, ब्लैक लाइन है उसमें, है खत्म बात। तो क्या समझ में आया, दैट इंडिकेटर वगैरह पढ़ना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आप इचिमोकु क्लाउड पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। अब हम एक दूसरा इंडिकेटर पढ़ेंगे, अब हम वॉल्यूम प्रोफाइल नाम का इंडिकेटर पढ़ेंगे। जब आप यहां पे आते हो वॉल्यूम प्रोफाइल पे, तो आपको फिक्स्ड रेंज और सेशन वॉल्यूम मिलते हैं, तो फिक्स्ड रेंज हम यूज करेंगे, सेशन वॉल्यूम तो और आसान है, फिक्स्ड रेंज सीख गए तो सेशन वॉल्यूम भी आ जाएगा। इसमें क्या करते, क्लिक करते हैं हम, और हमको जहां से जहां तक का मतलब होता है कि मेरे को एक फिक्स रेंज में स्टडी करनी है, यार यहां से लेकर के ना ये यहां तक, देखो इसको कहीं तक भी कहीं तक ले जा सकते हो, यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा जानना है, तो मैं क्लिक किया बाहर लेफ्ट साइड में बन गया। अब यहां पे सबसे बड़ी रेंज, सबसे बड़ा नंबर कहां दिख रहा है आप लोगों को, यहां दिख रहा है 2096 दिख रहा है, ये एरिया में, ये देखो ये एरिया दिख रहा है सबसे बड़ा है, तो ये वो नंबर है 2095 से 2097 जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज हुए। समझ में आया आप लोगों को, बेसिकली ये पूरा जोन ही बहुत ज्यादा बाय, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग आई है, दिख रहा है आप लोगों को, ये हाईली यहाँ पे हाई बाइंग आई है भाई, इस एरिया में बहुत हैंड्स एक्सचेंज हुए, ये मतलब रिलायंस वेट मूव का वेट कर रहा है, एक दिख रहा है आप लोगों को बहुत हाई है। तो मैंने एक रेंज बनाई, और ये रेंज से मेरे को क्या मालूम चला कि कौन से नंबर पे रुपीज के सबसे ज्यादा बाय और सेल हुआ है। तो समझ में आ गया आपको कौन से नंबर पे सबसे ज्यादा हुआ है, तो वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अभी थोड़ा और अच्छा विजन देता हूं, थोड़ा जूम आउट करता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं यहां पे आता हूं, फिक्स रेंज पे आता हूं, और मैं यहां, और इसको ना मैं 30 मिनट कर देता हूं, काम करता हूं ताकि थोड़ा कचरा ना दिखे,
ओके, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर इंडिकेटर लगाता हूँ फिक्स रेंज का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रेंज है। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी ये रेंज बहुत थिक होती है ना, ऐसी थिक, वहां मार्केट बहुत रुकता है। दिख रहा है आपको चौपी होता हुआ? दिख रहा है चौपी होता हुआ? दिख रहा है, दिख रहा है चौपी होता हुआ। और जहां पे ये चीज कम हुई होती है वहां से मार्केट स्मूथली बढ़ता और स्मूथली गिरता है। दिख रहा है आप लोगों को? तो मतलब जब भी मोटी रेंज के अंदर आ जाओगे तो आपको बाय सेल करना उसके ऊपर या नीचे में, ठीक। इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए बुक्स लिखी गई है बहुत सारी, और बहुत तरीके यूज करने के, हर कोई अपने तरीके से यूज करता है। मैं आपको मेरा तरीका बता रहा हूं, हो सकता है इसके और तरीके हों जो आपको मालूम है, वेल डन, यूज इट, बट मैं सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच चाहता हूं, बुकिश नॉलेज नहीं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब मैं अगर उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, अपन सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, बाय सेल डिसीजन नहीं ले रहे, हम इंपॉर्टेंट, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या क्या इंपॉर्टेंट रेंज है। दिख रहा है आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है? क्या ये इंपॉर्टेंट रेंज है? तो इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, ये सपोर्ट टूटना आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू जोन है। वैल्यू जोन कैसे बना? जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपको ऐसा कंजेशन मिलता है वॉल्यूम का, तो बहुत, दिख रहा है आप लोगों को यहां पे वैल्यू जोन, यहां पे कितने कम वॉल्यूम हैंड्स एक्सचेंज हुए। तो इसे जब मार्केट ब्रेकआउट देगा ना इस एरिया में, तो मार्केट के लिए आसान होगा यहां रुकेंगे। दिख रहा है, देखो लंबी दिख रही है, ये रहेगा इसका पहला रेजिस्टेंस। डू यू नाउ अंडरस्टैंड क्यों ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा? क्योंकि वॉल्यूमर बड़ा है वहां पे। तो मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस, जब मैं बाय करूंगा तो मेरा टारगेट होगा, मैं इसको ऐसे यूज करूंगा। तो कैन आई से वॉल्यूम फिक्स रेंजेस विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द वैल्यू जोन्स? बोल सकता हूं क्या? वैल्यू जोन निकालने के काम आएगा। टीसीएस में आता हूं, टीसीएस में मेरे को बाय करना है भाई, मेरा बड़ा टारगेट है, तो मैं फिक्स रेंज निकालूंगा। रेंज क्या बोलती है भाई, क्या सीन है भाई? ये हाई, भाई ये हाई था, इसका हाई से लो तक का क्या सीन है, कहां कहां इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन्स है मेरे पास? तो ओके, ये मेरा वाओ, क्या मेरा रेजिस्टेंस एकदम वैल्यू जोन पे है? दिख रहा है आप लोगों को, मैंने जो लाइन खींची है, ये जो लाइन है, इज इट एट हाईली इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन? कल ये तोड़ेगा तो मिनिमम टारगेट क्या लेना चाहिए अपन लोगों को? क्या मिनिमम टारगेट हमें इंटर पे ये लेंगे, ये वाला? दिख रहा है आप लोगों को ये वाला 3265, राइट? और ये यहां पे, और जब इसे तोड़ेगा तो यहां पे, जब इसे तोड़ेगा तो यहां पे। सो डू यू सी हाउ फिक्स रेंज कैन हेल्प यू स्पॉट, हेल्प यू स्पॉट व्हाट? वैल्यू जोन। वैल्यू जोन मतलब क्या होता है? जब आपके बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप वॉल्यूम का नॉलेज डाल देते हो, जब आप बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक प्लेन सपोर्ट रेजिस्टेंस है भाई, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, उसमें अगर किस्मत से आपको वैल्यू जोन मिल गया जहां पे वॉल्यूम भी था, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई? देखो एक बात बताओ मेरे को, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सबसे एक क्वेश्चन है मेरा। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको प्राइस पे, और क्या ये भी सपोर्ट, ये भी एक जोन दिख रहा है, ये वाला देखो, यहां पे भी रुकता है मार्केट। अब इन दोनों में से मेरे को चूज करना है 3250, 3264, विच वन विल यू चूज? 3264, राइट? 3264, क्योंकि उसमें वहां के वैल्यू, उसका वैल्यू ज्यादा है, उसमें ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, समझ में आया आपको? उसमें ज्यादा वॉल्यूम है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऐसे करके अब आपको आपके प्लेन सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है बॉक्स, उनके अंदर एक जान आ गई। क्या जान आ गई? एक वैल्यू जोन आ गया। वो कैसे निकालते हैं? हम एक स्विंग हाई से स्विंग लो पकड़ते हैं, जितने का एनालिसिस करना है, जितने का एनालिसिस करना है उसको निकालते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। समझ में आ गया? अभी निफ्टी फ्यूचर्स का देखते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स में क्या चल रहा है अभी। ओके, निफ्टी फ्यूचर का कहां वैल्यू जोन है देखना है अभी। अभी अगर सेशन वॉल्यूम पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने मन से सेशन बना लेगा, आपको खींचने की जरूरत नहीं है। क्लिक कर दिया आपने, देखना अब वो अपने आप बना दिया। दिख रहा है आप लोगों को? अपने आप को हर दिन का बनाने लग गया इंट्राडे के लिए कि ये लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे में तो जब कैंडल बनेगी तब वो बनेगा, तो ये कोई खास काम नहीं आ रहा। दिख रहा है कितना चौपी है, कितना चौपी है,
दिख रहा है, यहां पे हाई था तो वहीं आके प्राइस रुका, ऊपर नीचे घूमता गया। तो सेशन क्या होता है, ये एक सेशन पे लगा देता है, ये जो इंडिकेटर होता है। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये मेरे को ना जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। मैं फिक्स रेंज प्रेफर करता हूं एनालिसिस करने में। अभी एनालिसिस करने में मतलब, भाई देखो हम ऊपर से नीचे गिरे हैं, अभी ऊपर से नीचे गिरे तो इस पॉइंट से लेकर के फिक्स रेंज पे जाऊंगा, इसे बंद करूंगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या माहौल है बताओ, क्या समझ में आ रहा है? विच आर ओनली दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, देख रहे हैं आप लोगों को, देख गया कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना कल सुबह 683 को, तो बिना रुके यहां तक आएगा, यहां पे थोड़ा समय रुकेगा, हॉल्ट करेगा। पहले भी हॉल्ट किया था क्या, क्या पहले भी हॉल्ट किया था क्या वैल्यू जोन्स में अपने? ये एक वैल्यू जोन है, फिर हॉल्ट किया था क्या? आप देखो ये वही हॉल्ट करता है जहां पे वैल्यू जोन होता है, अदरवाइज ये हॉल्ट नहीं करता। जहां पे छोटे छोटे आपको वॉल्यूम बार मिलेंगे, ये तुरंत तुरंत ब्रेक तुरंत तोड़ देता है, तोड़ देता उन लेवल्स को। लेकिन जहां पे बड़ा वॉल्यूम बार होता है वहां रुकता है। तो यू कैन यूज इट टू क्रिएट अ लाइफ इन योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन्स। आर यू, समझ में आया गाइस आप लोगों को हाउ टू यूज फिक्स वॉल्यूम्स, राइट? दिस इज द फर्स्ट टाइम इलाइट 2.0 मैं इस तरीके से आपके बैच को पहला पढ़ा रहा हूं। इसके पहले भी वॉल्यूम मैंने अलग तरीके से पढ़ा, ये भी अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। इस सबके लिए नया कोर्स है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या बट इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बाय सेल डिसीजंस? No, this is for creating value zones. To create value zones. अगर आपको मालूम है ना किससे क्या, वॉल्यूम से क्या उम्मीद करना है, वॉल्यूम से उम्मीद करना है चार्ट पैटर्न के अंदर मेरे को बताएगा क्या होने वाला है, और ब्रेकआउट बताएगा क्या होने वाला है, और ये क्या बता रहा है। नो, इट्स नॉट अबाउट 30 मिनट और 15 मिनट। क्या मैं इतनी पिक्चर को 15 मिनट में भी देख सकता हूं? देखो, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो भाई टाइम फ्रेम तो मैटर ही नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्विंग हाई से स्विंग लो पे आ रहा हूं। कि इसकी जो जर्नी थी ना, ये पास्ट बताता है कि फ्यूचर बताता है, ये पास्ट का डेटा है जो फ्यूचर में रिएक्ट करेगा। तुम जो मेरी जर्नी थी ऊपर से नीचे तक की, वो जर्नी बता रहा है भाई ये। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, तो आपको टाइम फ्रेम का मैटर नहीं करना है, आपको एक रेंज बनानी है कि ऊपर से नीचे की रेंज बनानी है, है ना, ऊपर से नीचे की। आईसीआईसीआई बैंक पे जाना चाहूंगा मैं, ICICI बैंक मेरा बहुत इंटरेस्ट है मेरे को ICICI बैंक में। इसको रिमूव करता हूं सारी चीजें, ICICI बैंक खोलता हूं। सॉरी, तो यहां पे मेरे को रेंज बनानी है, तो कहां से कहां बनाऊंगा बताओ, आप ही लोग बताओ। क्या एक लो से हाई बना लूं, एक स्विंग पकड़ लूं, यहां से पकड़ लेते हैं और यहां तक आ जाए, यहां तक सही रहेगा, है ना, कि ये जर्नी मालूम चल जाए कैसे मार्केट गिरा, मार्केट गिरा कैसे ही मालूम चलेगा ना। चाहिए तो यहां तक का भी ले सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा डेटा मिलेगा। आपका काम क्या है कि भाई तू गिरा इतने स्पीड में तो ऊपर कैसे आएगा, तू कहां कहां रुकेगा। तो क्या ये एक पहला पॉइंट रुकने का, क्या ये एक दूसरा पॉइंट है इसके रुकने का, क्या फिर ये तीसरा पॉइंट है रुकने का, और यहां पे तो ज्यादा वॉल्यूम इसमें, तो मैं इसे प्रेफर करूंगा। बन गए वैल्यू जोन्स। क्या ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट जाएगा अगर ये अगर ये लेवल्स को तोड़ता है तो यहां तक? क्योंकि क्या ये उस स्पीड से गिरा भी, क्या गिरा भी, दिख रहा है आप लोग को, गिरा भी और फिर ये सपोर्ट ले लिया यहां पे। तो दिस इज हाउ यू यूज फिक्स रेंज इंडिकेटर। यू डिसाइड व्हाट इज द रेंज। नाउ व्हाट रेंज विल यू डिसाइड, यू ऑलवेज चेक मार्केट ने इसके पहले क्या मूवमेंट किया। अगर ऊपर गया तो कैसे ऊपर आया, ऊपर की जर्नी में रेजिस्टेंस कहां कहां मिला, नीचे आए तो सपोर्ट कहां कहां मिला। अभी वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस आपके लिए क्या बन जाएंगे, गिव मी द एग्जैक्ट वर्ड, value zones, right? Value zones. So if you connect, जैसे hammer के साथ LPR connect किया, HPR connect किया है, engulfing के साथ power connect किया है, इस indicator के साथ value zone connect कर दोगे, कभी confused नहीं होगे use करने में। हाँ तो इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है? सर नहीं भाई, value zone, volume में सिर्फ chart pattern में डालो और कुछ, RSI सिर्फ 5 मिनट में देखो, divergence सिर्फ 15 मिनट में देखो, हो गया सिंपल आपके लिए indicators भी, right? Okay? So this is how you are going to use this fixed range indicator, okay? We'll start Bollinger Bands, ADX, Super Trend and Ichimoku भी बता दूंगा कैसे काम करता है, बट आपको देख के समझ में आ जाएगा कचरा इंडिकेटर है, काम नहीं आ रहा है। So let's start with
Bollinger Bands. Bollinger Bands is one indicator which is very famous, and I am so sad to tell you the truth that it is not at all a good indicator. Okay, why? आते हैं Bollinger Bands पे क्लिक करते हैं. अब Bollinger Band ऐसे बैंड की तरह खुल जाता है. ओके, अभी बैंड की सेटिंग पे जाते हैं. तो बेसिकली सेटिंग पे जाने के पहले देखते हैं तीन चीजें हैं. एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है और एक मिडिल बैंड है. अब टेक्निकली सीखना है तो मिडिल बैंड ही मेन है, जो 20 मूविंग एवरेज है. 20 मूविंग एवरेज पढ़ेंगे आज ही की क्लास में, मूविंग एवरेज पढ़ेंगे. तो एक 20 मूविंग एवरेज है बेसिकली, और उन इस 20 मूविंग एवरेज का प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन. अब व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपको याद नहीं है तो आपने क्लास 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में मैथ्स में पढ़ा होगा, जो रटा होगा आपने, आपको याद नहीं होगा. एक फॉर्मूला होता है, उससे अपन एक कुछ रेंज निकालते हैं और बनता है. तो सेटिंग पे जाओगे तो वही देखने मिलेगा, लेंथ 20 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का है, तो ऊपर प्लस 2 नीचे, तो एक रेंज बन गई. तो Bollinger Band कुछ नहीं है, एक रेंज है कि इस रेंज में स्टॉक चल रहा है. ठीक, ओके. अगर इस रेंज को मैं छोटा कर दूंगा 1%, अगर मैं इस रेंज को बड़ा कर दूंगा ना 3% कर दूंगा, तो ऐसा कहते हैं प्राइस विल रिमेन इनसाइड द बैंड 99% ऑफ द टाइम. देखो दिख रहा है आप लोगों को, पूरे टाइम अंदर है ना, एक बार भी बाहर जाता नहीं दिखेगा. दिख रहा है आप लोगों को, एक बार दिख रहा है निकलता हुआ, फिर एक बार ये विक निकलता बाहर दिख रहा है, फिर पूरे टाइम अंदर है. दिख रहा है आप लोगों को, एक बार यहां पे दिख रहा है. तो जब 3 कर देते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा ना बड़ा है, मतलब एक स्विंग ट्रेडर, मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के काम आता है. 1 कर दे, 2 कर देते तो 95% ऑफ द टाइम प्राइस अंदर रहता है बोलते हैं, और 1 कर देते हैं तो 65% टाइम अंदर होता है, बाकी टाइम बाहर. तो यूजुअली जो सेटिंग है आपको, हमको यूज करनी है, वो 2 है. द 2 इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग दैट एवरीवन हैज टू यूज, और ये तो 20 रहेगा. 20 इज एन इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज. ओके, तो सेटिंग हमने अभी भी क्या पढ़ा, थ्योरी कोई काम नहीं आती, सब 95, 99, ये सब कुछ काम नहीं आता. अब यूजिंग Bollinger Bands इज अ ट्रिकी थिंग, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज इट, बट आई एम टीचिंग यू बिकॉज दिस इज लाइक ट्रेडर 2.0, जस्ट टू सो दैट सम कभी कोई और बात करे, कोई और किसी में बेच रहा हो Bollinger Band, तो आपको ये ना हो. Bollinger Band यूज करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं. पहले बताता हूं आप लोगों को, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, तीनों किस तरीके से बिहेव करेंगे. एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरह बिहेव करेंगे, है ना, सब रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे. तो यूजुअली कैसे यूज करते हैं लोग, यूजुअली कैसे यूज करते हैं लोग कि लेट्स से यहां पे लोअर बैंड से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मिडिल बैंड को तोड़ा, तो कहां जाएगा, यहां जरूर आएगा. ओके, तो एक ट्रेड ऐसा लेते हैं, यहां पे आ गया तो बाय कर लेते हैं यहां तक के लिए. गॉट इट, दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रेड. जैसे यहां देखो, यहां पे लोअर बैंड पे सपोर्ट लिया तो ऑब्वियसली मिडिल बैंड तक जाएगा, मिडिल बैंड पे से ब्रेकआउट किया तो अपर बैंड तक जाएगा. मतलब एक जर्नी बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम, राइट. टॉप से बॉटम की जर्नी कैसे, लेट्स से यहां पे रेड कैंडल बनाया, तो अब कहां जाना चाहिए इसको, कौन से बैंड तक आएगा, मिनिमम मिडिल बैंड तक आएगा. टाइम लगाया लेकिन आया, है ना, मिडिल तोड़ दिया तो लोअर बैंड तक आएगा, आ गया. दिख रहा आप लोगों को, ये देखो ऊपर से नीचे ब्रेकआउट आया, तो एक सिंपल जर्नी, ऊपर से नीचे ब्रेकआउट आया तो कहां आएगा, फॉर श्योर मिडिल तक आएगा. और मिडिल तोड़ता है कुछ समय बाद 1245 को, तो लोअर तक आएगा. सबको समझ में आ गया, एकदम सिंपल, द सिंपलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. कि अगर नीचे से जर्नी स्टार्ट करता है, न्यू जर्नी कभी भी स्टार्ट करता है फ्रेश, तो ऊपर तक जाए, मिडिल तक जाएगा. मिडिल तोड़ता है तो ऊपर तक जाएगा, और ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है तो मिडिल तक आएगा, और मिडिल तोड़ता है तो नीचे तक जाएगा. द सिंपलेस्ट वे टू यूज Bollinger Band. सबको समझ में आ गया, राइट. ये देखो यहां पे गैप अप खुला मिडिल बैंड के ऊपर, तो पक्का अपर को टच करेगा, कर दिया टच अपर को, है ना, ठीक है ना. ये देखो यहां पे मिडिल तोड़ दिया तो नीचे तक आएगा, आ गया नीचे तक, ठीक. सिंपलेस्ट मेथड यूजिंग द Bollinger Bands एज व्हाट, यूजिंग Bollinger Bands
एज बजाज फाइनेंस खोल लेते हैं, कुछ स्टॉक खोलते हैं, बहुत ज्यादा निफ्टी निफ्टी पे काम कर लिया, तो यूजिंग बोलिंजर बैंड सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना। हाँ ठीक, अब दूसरी तरीके के लोग और भी लोग होते दुनिया में, वो किस तरीके से यूज करते पता है बोलिंग? देखो ये वाला तरीका देखा आप लोगों ने, ये देखो मार्केट आया, ब्रेक किया लोअर बैंड को, ये न्यू जर्नी चालू कर रहा है, इज इट अ बाय सिग्नल? इट्स अ बाय सिग्नल ओवर हियर। ओके ओके, इसका क्या मतलब है? मिडिल बैंड भी ब्रेक हो गया, मतलब हम टारगेट, ओके मिला टारगेट आपको, यू सी दिस, दिस इज अ सिंपल मेथड कि मार्केट यहां पे बैंड के अंदर सपोर्ट लिया और इसको ब्रेक कर गया तो होल्ड करना है, ये वाला टारगेट देगा, आपका ट्रेड खत्म हो गया। ठीक, तो सिंपल। नाउ द सेकंड काइंड ऑफ ट्रेड दैट पीपल टेक आर इज कॉल्ड वॉकिंग द बैंड। अब कुछ लोग देखते कि कभी भी जब बैंड पावर के साथ ब्रेकआउट कर देता है बैंड का बाहर की तरफ, तो वो होल्ड करते विनिंग ट्रेड, वो होल्ड करते हैं कि नाउ द स्टॉक विल वॉक द बैंड। देखो जब तक मिडिल बैंड टच नहीं होगा वो छोड़ते नहीं ट्रेड को। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 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 उन्होंने यहां पे एग्जिट किया, यू कैन एग्जिट ओवर हियर दिस रेड कैंडल। ठीक है, तो क्या समझ में आए? ओके, सम टाइम यू कैन गो लाइक, अभी अभी जिस आदमी की थ्योरी है कि जब वो ऊपर से नीचे जर्नी चालू करेगा तो वो शॉर्ट करेगा, लेकिन जो एक अब दूसरी स्ट्रेटेजी की जब मार्केट ब्रेकआउट करता है किसी बैंड को, तो अब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक मिडिल बैंड नहीं आता। ये दो थ्योरीज है, अब ये दोनों में से कौन सी कहां अप्लाई करना है बहुत सब्जेक्टिव है, इट्स नॉट इजी, यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड जैसे कि कहां पे कौन सा, कहां पे क्या करना है। लेट्स से ओवर हियर, विल यू बी कंफ्यूज्ड ओवर हियर? देखो यहां पे तो चलो ठीक है, आपने बाय किया, अब आपको लगेगा ना एग्जिट करना है कि नहीं करना है, आपने नहीं किया कि रेड कैंडल बनेगी तो करूंगा, अब आप एग्जिट करने का डर लगे, आपको एग्जिट करना चाहिए, लगेगा ना कि आई शुड एग्जिट ओवर हियर, अगर कर दोगे तो फिर से ग्रीन चला गया, अब फिर रेड कैंडल बन गई, अब फिर डर लगेगा, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वॉक द बैंड करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम इसको यूज करना है। ठीक है, तो I'll leave it upon you. You do your back testing. You think what exactly is good in this, and let me know. आपको क्या समझ में आता है? दो strategy होती है. People use this simply as a support resistance. Otherwise, whenever the band is broken, तो walk the band नाम की चीज होती है. People walk the band, but it is nearly impossible to judge when to walk the band and when to use it as support resistance. Sometimes it's very easy जब ये नीचे से ऊपर आता है. तो बाय कर सकते, ऊपर से जो तो सेल कर सकते, दैट इज इजी, वॉक द बैंड इज नॉट इजी। ओके, सो मेरे को क्या सबसे अच्छा क्या लगता है बॉलिंजर बैंड में? मेरे को सबसे अच्छा लगता है बॉलिंजर बैंड में उस वर्ड का नाम है बीबी स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब क्या होता है? एक फिनोमेना होता है जो एक ही चीज मेरे को पसंद थी इस चीज में, जब भी स्क्वीज होता है मतलब ये दिख रहा है आपको, डू यू सी दैट इट इज स्क्वीज्ड ओवर हियर? दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे स्क्वीज हुआ है थोड़ा सा, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सपैंड हुआ है? देखो यहाँ पे एक्सपैंड हुआ, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं स्क्वीज। जब ये छोटा हो जाएगा तो स्क्वीज बोलते हैं, ऐसा बड़ा होगा तो एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को फर्क क्या है स्क्वीज और एक्सपेंशन में? पर यहाँ पे स्क्वीज हो गया है, ये स्क्वीज दिख रहा है छोटा होते हुए, यहाँ पे एकदम छोटा हो गया, बड़ी रेंज छोटी हो गई है। तो यू शुड ओनली फाइंड द स्क्वीज। मेरे हिसाब से बॉलिंजर बैंड यूज करने का तरीका सबसे सिंपल है कि जब भी स्क्वीज मिलता है, ये देखो दिख रहा है स्क्वीज आपको, छोटा हो गया दिख रहा है, जब भी स्क्वीज मिलता है और रेंज टूटती है, दिख रहा है आपको यहां पे एक रेंज टूटी नीचे की तरफ, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड वॉक द बैंड। बस इस समय पे अगर वो नीचे की तरफ रेंज ब्रेक कर रहा है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो, आपको एक छोटा सा अच्छा टारगेट तुरंत मिल जाता है। दिस इज अ गुड टारगेट ओवर हियर फॉर एन इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो दिस इज अराउंड 1.6%, आपका इंट्राडे लेवल पे 1% का टारगेट होता है, 93 रुपीज का टारगेट होता है यहाँ पे। और एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वीज का, और एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हेनेवर डू यू सी दिस इज अ स्क्वीज, कैन वी से दिस इज अ स्क्वीज ओवर हियर, हियर ओवर हियर बोल सकते हैं स्क्वीज आ गया है।
इज इट विजिबल और नॉट, यहाँ पे देखो ना कितना बड़ा सा था और यहाँ पे छोटा हो गया, स्क्वीज और नॉट, दिस इज स्क्वीज ना, तो अभी क्या है, अब ये ऊपर की तरफ अगर एक्सपैंड करेगा तो ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगा तो नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग्स एंड लेट्स सी किस तरफ ब्रेक करता है। ओके तो ये दिख रहा है आपको, ये किस तरफ ब्रेक कर गया अपनी रेंज का, दिख रहा है आपको ये रेंज, तो ये कहां ब्रेक कर गया रेंज का, नीचे की तरफ। तो ट्रेड कौन सा लेना है मेरे को, नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है यहां पे। दिस इज द शॉर्ट कैंडल की मार्केट में मेरे को ये एक फिर से एक 1% के आसपास का टारगेट यहां पे मिल सकता है, ठीक है। फिर से दिख रहा है आपको थोड़ा सा स्क्वीज होता हुआ और नीचे की तरफ स्क्वीज हुआ, फेल हो गया ये, दिस फेल्ड ओवर हियर। तो अब मैं फिर से अगर आपको ओके यहां देखो, डू यू सी दिस, दिस इज अ स्क्वीज अगेन ओवर हियर, यहां पे देखो स्क्वीज होता दिख रहा है, छोटा होता दिख रहा है रेंज आपको, राइट। और मार्केट गैप अप खुलता है और तोड़ते तोड़ते उसको यहां ले आता है, तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड शॉट ओवर हियर, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन यूज सिंपली बॉलिंजर, यू शुड इग्नोर बॉलिंजर बैंड्स ऑलवेज, जब भी स्क्वीज होता है तब आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्क्वीज होता है जैसे रिलायंस चेक करते हैं, रिलायंस बहुत ज्यादा फॉल हुआ, फॉल होने के पहले स्क्वीज हुआ था, क्या है दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को यहां पे, दैट दिस अगेन लिटिल बिट स्क्वीज्ड, नीचे की तरफ रैली किया, फिर स्क्वीज किया, नीचे की तरफ रैली किया, और ये तो बहुत ज्यादा रैली, अभी अब फिर से क्या हो रहा है अभी, देखो ओके अगेन, तो देखो ये हुई ना बात, देखो अभी अभी क्या हो चुका है, अगेन इट इज स्क्वीज्ड। नाउ अगर कल सुबह रिलायंस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमको कौन सा ट्रेड मिलेगा रिलायंस में, बाय का, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो कौन सा ट्रेड मिलेगा हम लोगों को, दिस इज अ गुड थिंग कि अभी अभी दिख गया स्क्वीज कैसा होता है, बस वी जस्ट फाउंड अ स्क्वीज इन रिलायंस, ठीक है ना। लेट मी ओपन आईसीआईसीआई बैंक का, लेट मी ओपन आईसीआईसीआई बैंक एंड लेट मी जस्ट हाइड बॉलिंजर बैंड्स, मैं बॉलिंजर बैंड हाइड कर दिया, ठीक। अब हमने देखा ऐसे करके, तो दिख रहा है आपको यहां पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है यहां पे, है ना, यहां पे भी दिख रहा है थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट हुआ है ना, आपको दिख रहा है यहां पे कंसोलिडेट हुआ थोड़े समय के लिए, है ना, राइट, आपको दिख रहा है यहां पे कंसोलिडेट हुआ थोड़े समय के लिए, राइट। अब मैं बल्ब लाइट चालू कर रहा हूं, देखो वही वही स्क्वीज मिल रहा है क्या, दिख रहा है आपको स्क्वीज, देखो स्क्वीज दिख रहा है आपको, थोड़ा सा स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, ऊपर नीचे स्क्वीज हो गया है, देखो दिख रहा है, यहां तो नहीं हुआ, दिख रहा है यहां पे थोड़ा स्लो हुआ था, तो स्क्वीज जो होता है ना, जो स्क्वीज नाम की चीज होती है, ये भी होती क्या है बेसिकली, और देखते हैं और देखते हैं। हाँ तो आईसीआईसी बैंक तो मूव ही इतना ज्यादा कर रहा है, स्क्वीज मिल ही नहीं रहा आईसीआईसी बैंक में, तो हमें टू मूविंग टू मच, ओके यहां पे मिला, चलो यहां भी नहीं मिला यार स्क्वीज अपन को, बैंकिंग सेक्टर इतना वॉलेटाइल है इस वक्त। चलो मिल गया, यहां मिला, यू कैन सी अ क्लियर स्क्वीज ओवर हियर, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पे बॉलिंजर बैंड बंद भी कर दूं तो कांट यू फाइंड अ रेंज योरसेल्फ कि दैट दे आर मार्केट जो है एक छोटी रेंज में घूम रहा है ऐसा, और एक बड़ी रेंज में घूम ही रही है, ये तो सब क्लोज इस बॉक्स के बाहर एक बार भी क्लोजिंग मिली क्या मार्केट को, मार्केट बाहर खोला नीचे आ गया, खुला नीचे, एक रेंज है, चालू करके देखो वहीं पे आपको स्क्वीज मिलेगा। तो बेसिकली बॉलिंजर बैंड की तो जरूरत भी नहीं है, इस इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, ठीक। बस मैं इसलिए नहीं पढ़ाता था, अब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ना कोई और जब कोर्स बेचिए बॉलिंजर बैंड का, या कोई और जब बात करे बॉलिंजर बैंड की, तो आपको मालूम हो कि लैक ऑफ प्राइस एक्शन, लैक ऑफ प्राइस नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन इज समथिंग जिसके कारण बॉलिंजर बैंड पढ़ना पड़ता है आपको, उसके बिना भी चलता है,
आप उसके बिना भी स्क्वीज निकाल सकते हो, आपको ऑलरेडी दिखना चाहिए कि भाई कंसोलिडेशन हो रहा है और मेरे को ट्रेड लेना है, ये ऊपर तरफ ब्लास्ट करता है, मेरे को यहाँ पे बाय करना है, दिन बंद होते तक ट्रेड मेरे मेरे तरफ जा रहा है, राइट? ओके ओके गाइस, है ना, डन। चलो अब आगे चलते हैं। निफ्टी क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स का एक बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है? तो वो स्टडी करना हम लोगों को। तो हम पहले तो इसको, अगर आपको सामने कभी भी चार्ट आपको ऐसा दिखता है, आपका सबसे पहला काम पता है क्या करना है, ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको, फिर भी नीट एंड क्लीन है ना, जो भी लेवल्स बनाए कितने नीट एंड क्लीन है, राइट? दिस इज हाउ योर चार्ट शुड लुक लाइक। बट व्हेनेवर यू कम बैक, दिस इज द फर्स्ट जॉब, रिमूव ड्रॉइंग्स, ये पहला काम है। मैं देख चुका हूं ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लोग फंस जाते हैं उसमें और वो ग्रो नहीं कर पाते। ऑलवेज रिमूव, ऑलवेज ट्राई टू मेक न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे, उसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX। ये इतना ट्रिकी इंडिकेटर है कि इसका नाम क्या है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। बीच वाला वर्ड क्या है, डायरेक्शन। तो ये क्या बताता होगा आपके हिसाब से, क्या बताता होगा आपके हिसाब से इसका नाम, अगर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है तो? नहीं, दैट इज अ स्मार्ट आंसर। आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, यू आर गिविंग मी अ स्मार्ट आंसर। सी द डिफरेंस बिटवीन योर ट्रेनर एंड द स्टूडेंट्स, सी द डिफरेंस, यू ट्राइंग टू बी स्मार्ट बट आई एम सो सिंपल, देयर इज अ डिफरेंस। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अगर किसी इंडिकेटर का नाम है, वो क्या बताता होगा, डायरेक्शन। दिस इज द सिंपल थिंग, यही यहां पे आई फील वेरी गुड। आई सी माई स्टूडेंट्स, आई नो सो मेनी थिंग्स कि आप यही ट्रिकी चीज है, इसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, बट ये नहीं बताता डायरेक्शन, बट ये डायरेक्शन छोड़ के सब कुछ बताता है। ये इंडिकेटर सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता, नाम देख के लग रहा है कि बताएगा मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये सिर्फ बताएगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक? ये क्या बताता है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब क्या इस बात का? दो चीजें समझनी है अपन को। पहला समझना है फॉलिंग ADX, फॉलिंग ADX। एक समझना है राइजिंग ADX, राइजिंग ADX, ठीक? सबको समझ में आया, गिरता ADX, राइजिंग ADX, ठीक? फिर समझना है लो ADX एंड हाई ADX, क्या फर्क है, थोड़ा फर्क है, ठीक? ओके, जब भी हम लो ADX सिचुएशन पे हैं, मतलब जब भी मार्केट में ADX की वैल्यू 20 इंच ड्रॉप करती है, 20 है, 20 इंच ड्रॉप कर गई, जब तक 20 के ऊपर नहीं आती, यहां तक 20 के ऊपर नहीं आई, यहां तक, ओके? तो जब भी ADX की वैल्यू, जब तक वो फॉल हो रहा था छोड़ो, लेकिन जैसे ही वो लो हुआ, सो आपको फर्क समझ में आया, इसको फॉलिंग ADX बोलते हैं, और जब 20 के नीचे आ गया तो क्या बोलते हैं, लो ADX। नाउ फुल ऑफ द बॉक्स द ADX इज लो ADX, लेकिन जैसे 20 के बाहर निकला इसको क्या बोलते हैं, राइजिंग ADX। हाँ, बहुत डीपली समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ओके? नाउ इसे क्या बोलते हैं हाई ADX, राइट? डू यू सी, हाई ADX, दिस इज हाई ADX, ओके? नॉट राइजिंग, नॉट फॉलिंग, बट हाई ADX। तो दो लोगों को लगता है दो चीज स्टडी करनी होती, चार चीज होती है ADX में समझने की, लो, हाई, राइजिंग, फॉलिंग। नाउ दिस इज व्हाट, ये कौन सा ADX है, ये फॉलिंग, फॉलिंग ADX है, राइट? ये फॉलिंग ADX है यहां तक, ओके, गुड यार, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ओके। अब हम लोगों ने कम से कम समझा। अब एक बात बताइए, जब जब आपने आपने लो ADX देखा,
जब भी आपने 20 की कहां डिप हुआ, ये 20, ये 20 है और 20, ओके ओके, मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कब से, 23 जून से 25 जून तक कैसा मूव किया, बस। तो मतलब जब भी एडीएक्स की वैल्यू लो होती है तो मार्केट कैसा बिहेव करता है, साइडवेज। ओके, नाउ आई विल स्टॉप द चैट बॉक्स, आई विल टेल यू द रेंज, व्हेन द एडीएक्स इज बिटवीन 0 to 15, इट्स नॉट गुड। When it is increasing 15 to 20, you keep an eye because 20 के बाद वो good हो जाता है. Whenever it is going for 20 to 25, it's good. A trade can be initiated. And if the ADX is moving beyond 25, it's very good. कि आपने जिस direction में trade लिया है, वो आपके direction में चलेगा. ठीक है? तो आप देखो, the market ऐसे-ऐसे जा रहा है. लेकिन जिस दिन हम मैंने ट्रेड किया, जैसे फ्राइडे के दिन मैंने ट्रेड किया, 9:15 को 13 था, 9:45 को 14 हुआ, 10 बजे 16 हुआ, 10:15 पे 17 हुआ, 10:30 पे 19 हुआ, 10:45 पे लगभग 19.98 हुआ। क्या आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पे ऐसा नहीं, मार्केट देखो इतने बजे ऊपर गया, वहां से सिर्फ नीचे आ रहा है, दिख रहा है वो मार्केट ऊपर नहीं, वो नहीं, लेकिन ये आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, उसके बाद ये 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 20, हर कैंडल पे बढ़ रहा है। मतलब एक एक कैंडल के बाद अगर बस मार्क करोगे 24, क्या एडीएक्स गिर रहा है एक बार भी, रेड, चाहे रेड कैंडल बने ग्रीन कैंडल बने, 26, 27, 28, 29, 30 साइडवेज जा रहा है, 31, फिर 32, 33, कैसा एडीएक्स है, 34। तो आपको दिख रहा है ये एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ बता रहा है मार्केट स्ट्रॉन्ग जाएगा। यू सी दैट, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसा बिहेव किया इसने, हाउ वी कैन जज The मार्केट विल गो मोर अप और नॉट। अगर एडीएक्स की वैल्यू जैसे एक कर्व बना चुका है नीचे की तरफ, अगर ये ऐसा हो जाए तो यू कैन एग्जिट, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। लेकिन ये दिन का हाई टूटा, मैंने यहां पे ट्रेड लिया, मैंने यहां कहीं पे एग्जिट किया, मैं रुका रहा, तो ये क्या बताता है, दिस इज गोइंग टू टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया, ओके ऐसा होता है। अच्छा, और देखते हैं यहां पे, देखो यहां पे 38 हो गया है, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, देखो अच्छा खासा मूव कर रहा है, स्पीड में मूव कर रहा है, यू सी द ट्रेंड, द मार्केट इज फॉलिंग डाउन, कब तक, जब तक वो 20 नहीं आया, अभी जब 20 आके 20 इंच ड्रॉप हुआ, डू यू सी मार्केट गोइंग साइडवेज, देख रहा है। तो दिस इज समथिंग गुड टू लर्न, ये बहुत कभी कभी काम आता है बट आ जाता है। अब जब भी अब एकदम लो एडीएक्स निकालते हैं, टाइम कहां था, लो एडीएक्स का टाइम निकालते हैं, जैसे यहां देखो ओवर हियर, यहां पे मार्केट 20 पे ड्रॉप हुआ, यहां पे मार्केट 20 पे आ जाता है, यहां से लेकर के यहां तक, इनफैक्ट यहां तक भी बेसिकली, इनफैक्ट यहां इस दिन तक 20 वापस घूम के आ गया, थोड़ा सा बढ़ा तो लेकिन वापस घूम के यहां 20 पे आ गया। तो I'm sorry, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां तक आता हूं। इस वक्त यहां पे जो प्राइस था, देखो यहां पे जो प्राइस था, क्या उसी के आसपास प्राइस दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आपको कितनी छोटी रेंज है, ये दिख रहा है, यहां पे एक प्राइस था, इस समय भी प्राइस लगभग यहीं पे है, यहीं पे पास में, उस बॉक्स के पास में। तो घूम फिर के पूरा का पूरा स्टॉक कहां गया, साइडवेज आ गया। जितने लोग एक्सपीरियंस्ड है, ऑप्शन सेलिंग मालूम है क्या होता है, ये ऑप्शन सेलर के काम आता है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर अपने लिए इस पॉइंट से नीचे, निफ्टी है ना, मिनिमम निफ्टी है, राइट, दिस निफ्टी बैंक है, तो मिनिमम 1000 पॉइंट्स का रेंज बनाता है ऑप्शन सेलर की, यहां पे एक लाइन खींचूंगा, ऊपर के लिए 1000 पॉइंट्स का रेंज बनाता है, कि वो भी कई लोग तो 1500 की रेंज बनाते हैं, कि यहां पे भी 1000 पॉइंट्स की रेंज बनाते हैं, और यहां तक, और जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा उनके, तो वो पैसा कमाएगा।
दिख रहा है आपको कितनी रेंज, अगर 500 की भी रेंज बना लोगे तो भी 500 की रेंज के अंदर रहता है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए इंडिकेटर है, जब वो 20 के नीचे आता है आप 1000 में तो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, अगर 500 की रेंज 600 की रेंज बनाते हो यू विल मेक मनी। ठीक है, तो बात करेंगे इस बारे में ऑप्शन सेलिंग जब आपका जब 2.5 महीना हो जाएगा ऑप्शंस की क्लास होगी तब बात करेंगे सबके बारे में। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर हूम, ऑप्शन सेलर। फॉर ऑप्शन बायर व्हाट डू यू वांट एज एन ऑप्शन बायर, डू यू वांट अ फॉलिंग एडीएक्स और राइजिंग एडीएक्स, व्हाट डू यू वांट? राइजिंग एडीएक्स, राइट, राइजिंग एडीएक्स है ना। तो यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, ओके यू सी दिस 20, ओके दिस इज 20, लाइन खींच दी मैंने 20 पे हमेशा के लिए, ओके यहां पे कितना टाइम दिखा रहा है 21 में 9:30, 9:45 21, 9:10 23, 10:15, ओके यहां भी दिख रहा है आपको राइजिंग एडीएक्स दिख रहा है 31, 32, 33, 34, यू सी प्राइस गोइंग अप, यू सी दैट द प्राइस इज गोइंग अप। यहां देखते हैं तो यहां पे फिर से राइजिंग एडीएक्स है, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, यहां पे ड्रॉप हुआ फिर से इंक्रीज होना चालू हुआ 28 दिख रहा है आपको। तो एडीएक्स देख के ट्रेड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? एडीएक्स देख के ट्रेड नहीं कर सकते, एडीएक्स देख के सिर्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि मैं और होल्ड करना चाहिए क्या, क्या ये स्ट्रेंथ, क्या ये पावरफुल मूव है, क्या ये पावरफुल मूव है, राइट? अच्छा तो ये देखना पड़ता है। तो इसका काम क्या होता है, सिर्फ ये बताना कि द ट्रेंड विल गो स्ट्रॉन्गली अप और नॉट। ओके ओके ठीक है, इट्स यूज फॉर एग्जिट ओनली। ओके नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल कि एडीएक्स की वैल्यू बढ़ना चालू और प्राइस बहुत ज्यादा गिरे, is it possible? yes it's possible, क्योंकि ये direction नहीं बताता, ये trend का strength बताता है। एक मैं आपको fall दिखाना चाहता हूं जब ADX के लिए बढ़ी और fall आए, ये देखो, ये देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो आपको एक fall दिख रहा है, ये कैसा एक fall लंबा सा दिख रहा है आपको, see this, अच्छा खासा fall है और दिख रहा है ADX की value बढ़ती हुई 20 के ऊपर। यहां पे ADX जैसे फॉल आया 22 था, अगले कैंडल पे 23, अगले कैंडल पे 25, अगले कैंडल पे 28, अगले कैंडल पे 30, ऐसे दिख रहा है आपको बढ़ता हुआ। सो इवन अफ बड़ा अगर यहां का भी बात करते हैं, बड़ा फॉल भी आता है जैसे यहां, फिर देख लो, ये देखो मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल किया यहां पे, ठीक है मार्केट में बहुत बड़ा फॉल कर रहा है, आपको दिख रहा है एडीएक्स के लिए कैसे बढ़ रही है, जब तक वो रिवर्सल नहीं आया तब तक पीक बनाया, वहां वो फॉल कर रहा है यहां ये गिर रहा है। ठीक है तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज एडीएक्स, एडीएक्स इज अ ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो आपका ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है गाइस डन, ओके दिस इज यूज्ड, आपको नंबर्स कैन वी रिफ्रेश द नंबर्स, कैन वी रिफ्रेश द नंबर, व्हाट इज द गुड वैल्यू ऑफ एडीएक्स, गुड वैल्यू ऑफ एडीएक्स क्या होती है 20, ओके 20 अबव इज गुड एंड 25 अबव इज ग्रेट। Okay, even when the ADX is falling, even when the ADX is falling, अगर वो 30, 29, 28, 27, 26, 25 कर रहा है, तो is it good or not good? जब तक 25 तक नहीं आता, it's good. Even rising, एक falling ADX भी ठीक है, falling ADX भी ठीक है, थोड़ा बहुत trading कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है exit कब करना है, जब वो 20 के नीचे dip कर जाए, तो खत्म power, ऐसे हो। और जब राइजिंग एडीएक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, जब वो 21 के 22 23 ऐसे जाए तो आपको मालूम है अच्छा है यार मेरे को पता नहीं ऊपर की रेंज पर चलने दो मार्केट, ठीक है ओके गुड यार। सो वी जस्ट लर्न बोलिंजर बैंड्स एंड एडीएक्स, ठीक है अब ओके सो दिस इज बोलिंजर बैंड्स एंड दिस इज एडीएक्स। कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, 15 मिनट्स पे देखना सही है, ठीक है अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, और दो दिन तक का भी पर्सपेक्टिव रख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम को लेकर के, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं
अगर फास्ट ट्रेडिंग करते हैं तो मैं खोलता हूं फिर से एडीएक्स और चेक करते हैं. डू यू सी ओवर हियर अगेन 20 की वैल्यू कहां है? दिस इज 20 राइट, 20 पे लाइन खींच दी हमने. डू यू सी द अर्ली मॉर्निंग कल एडीएक्स बढ़ रहा था, फिर गिरा गिरा गिरा, लेकिन ड्रॉप हुआ और दोबारा बढ़ना चालू करके 1150 से. 1150 से एडीएक्स की वैल्यू क्या एक बार भी कम हुई? दिख रही है आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को? नो. तो लगातार राइज कर रहा है, लगातार. तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी वो लगातार राइज कर रहा है. सो 5 मिनट्स इज गुड फॉर फास्ट ट्रेडिंग, 15 मिनट्स इज गुड फॉर इंट्राडे प्लस नेक्स्ट डे एज वेल. लाइक इंट्राडे आप दो, एडीएक्स बहुत ही फास्ट इंडिकेटर है, बहुत ज्यादा जल्दी मूव करता है. जब मूव करता है तो बहुत ज्यादा जल्दी मूव करता है. तो 5 मिनट इज गुड एंड 50 मिनट इज गुड, अबव कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एंड जितने भी डेली टाइम फ्रेम पे खोल देता हूं, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी बता देता हूं. ये तो निफ्टी है, निफ्टी छोड़ दो, और कोई ट्रेडिंग और कोई स्टॉक बोलता हूँ, बजाज फाइनेंस खोल लेते हैं. ठीक है, बजाज फाइनेंस खोल लिया हमने. 20 के ऊपर लाइन खींच देता हूं. ओके, डू यू सी दिस इज अ सुपर सेटअप ओवर हियर. ये एक सुपर सेटअप है, आपको बताएंगे आफ्टर सम टाइम. तो यहां पे देखो, यहां पे जब यहां पे एडीएक्स बढ़ रहा था, यहां से बढ़ना चालू किया, और ये क्या यहां पे एक बाय एंट्री आती, एक फॉल आया, फेक फॉल था ये. फेक फॉल आने के बाद ये क्या, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको इंक्रीजिंग एडीएक्स के साथ साथ साथ. ओके, देखो डेली टाइम फ्रेम पे उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है. दैट इज वाई आई ऑलवेज से स्विंग ट्रेडिंग में ना यूज नहीं करना चाहिए इंडिकेटर्स, बट फिर भी इसमें तो नहीं किया. हाँ, इसमें सिंपल प्राइस पैटर्न पे काम कर सकते. अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये सब में बहुत ज्यादा काम करता है. देखो अगर यहां पे बात करें, देखो यहां पे 20 की वैल्यू कहां है, ये देखो, या तो जाते ही नहीं 20 के नीचे, ये तो 20 जाता नहीं है, फिर राइजिंग एडीएक्स है यहां पे. तो इसमें देखिएगा आपको मार्केट मूव होता है ऊपर की तरफ. ठीक है, फिर फॉलिंग एडीएक्स है तो साइडवेज जाना चाहिए, साइडवेज गया, फिर राइजिंग एडीएक्स है यहाँ पे, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको. बट स्टिल आई विल से डोंट यूज इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग, नो नीड टू यूज इंडिकेटर्स. आप ना इंडिकेटर यूज करो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग के लिए. हम सिर्फ मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए, बाकी ऐसे एडीएक्स यूज करने की जरूरत नहीं है. Alright guys, I hope finally आपने 2-3 सेटिंग में पूरा वीडियो खत्म किया होगा, पक्का नोट्स बनाए होंगे. अब आपका जो काम होना चाहिए वो तुरंत अप्लाई नहीं करना, इस नॉलेज को तुरंत बैक टेस्टिंग करना चाहिए. आप अपने क्रिप्टो पेयर्स, फॉरेक्स पेयर्स, आप अपने निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स को खोले, और जो आपने अपने टाइम डिजायर टाइम फ्रेम, देखो स्विंग ट्रेडिंग वाले हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, दिन का टाइम फ्रेम, इंटरनेट वाले हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इन टाइम फ्रेम्स पे उन इंडिकेटर्स को अप्लाई करें, बैक टेस्ट करें. आपको मालूम चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कुछ दिन बैक टेस्ट करें, कुछ दिन फॉरवर्ड टेस्ट करें बिना पैसा लगाए, है ना, पेपर ट्रेडिंग करें. अगर आपको लगता है कि ये मेरे को सेट हो रहा है तो दुनिया क्या बोले छोड़ो ना, आपको पैसा बन रहा बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया के बोले से आपका पैसा ना आता ना जाता है, दुनिया का हमें बोलते रहना कि नहीं तू तो बेवकूफ इंडिकेटर यूज कर रहे. मैं भले मुंह पे बोल रहा हूं मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को हो गया भाई टाइम, मुझे जरूरत ही नहीं थी बिना इंडिकेटर देखे, देख के समझ में आता डाइवर्जेंस है कि नहीं है, कहां पे क्या होने वाला है. बस मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूं, आई थिंक वो आप भी यूज करते होंगे, दैट्स इट. तो गाइस, अब जो इंपॉर्टेंट बात ये कर रही थी कि हाँ, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, आप लोगों को मेरे से कनेक्शन होता है कि हर आदमी सिंपल वर्ड्स में बताता है, इसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो बताता हूं, मैंने टेक्निकल एनालिसिस पैकेज लॉन्च किया है सिर्फ 3,000 रुपए का, 2999 में. इसमें स्टॉक मार्केट के कैसा रहेगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे ही 3 स्टॉक आ जाए डेली कल ट्रेड क्या करना है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली लेवल मिलने लगे, आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक मिल जाए हफ्ते के 2 से 3-4, आपको क्रिप्टो मालूम चल जाए किसमें क्या ब्रेकआउट आने वाला है, अगर आपको फॉरेक्स वो भी व्हाट्सएप पे, ना डिस्कॉर्ड ना टेलीग्राम, आपकी जिंदगी का सबसे यूज करने वाला एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे फोटो आ जाए भाई, क्या इससे अच्छा क्या, सिर्फ 2999 पे मैंने 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो 6,000 की चीज में 2999 में दे रहा हूं, जिसमें आपको व्हाट्सएप सर्विस मिलेगी भाई, और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग भी मिलेगी, पूरा ट्रेडिंग प्लान मिलेगा कि आप इस सर्विस को कैसे यूज कर सकते हो. उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीधे वहां पे करें और अपना व्हाट्सएप करें स्क्रीनशॉट, आपको अपने मेरी टीम कॉन्टैक्ट करके कल से
अगर आपने आज शाम के 4 बजे के पहले पेमेंट कर दी तो आज से नहीं तो कल से डेफिनेटली आपको सर्विस आपको व्हाट्सएप पे आना चालू हो जाएगा. ओके गाइस, सो आई होप यू आर एंजॉइंग माई कॉन्टेंट ओवर हियर. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. इफ यू लाइक दिस टेक्निकल इंडिकेटर वीडियो, इसको लाइक जरूर कर देना यार. लाइक करने से आपका मुझे बहुत फील होता है कि यार लोगों को इतना पसंद आया, ताकि मैं और भी ऐसी चीजें लाऊं आपके लिए. ठीक है गाइस, बाय, सी यू सून इन सम अदर वीडियो.